इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे डायलिसिस टेक्नीशियंस इन सभी लैब टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। एंड आई एम श्योर आज के प्रोग्राम के बाद आप सभी लोग, एम आई ऑडिबल राजेश? यस तो आप सभी लोग काफी जानकार हो जाओगे, क्योंकि हमारे दोनों स्पीकर्स आपको ये खुलासा करेंगे कि ये लैब्स क्यों करते हैं। पेशेंट्स को भी आप समझा पाओगे। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं हर महीने करना जरूरी है कि नहीं, ये टेस्ट क्यों किया, वो टेस्ट क्यों किया। इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ये टॉपिक और लेक्चर को आज तो सुनिएगा ही, बाद में जब ये यूट्यूब पर आ जाएगा उसके बाद भी आप उसको, जो लोग मिस कर गए या अपने फ्रेंड्स को, सबको इन्फॉर्म कीजिए कि ये टॉपिक कॉमनली कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस नहीं होता एंड इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं डॉक्टर राजेश कुमार को कहूँगा कि आज का कार्यक्रम शुरू करो। डॉक्टर राजेश कुमार के बारे में तो आप लोग पहले भी उनसे लेक्चर सुन चुके हो, और वो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट बॉम्बे के वेस्टर्न सबर्ब्स में हैं। उनकी प्रैक्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में, BACS हॉस्पिटल में, मलाड से लेके अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में कई सारे नर्सिंग होम्स और बड़े हॉस्पिटलों में अटैच्ड हैं। पर मोर इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर राजेश कुमार को एक पैशन है टेक्नीशियंस को सिखाने का, ट्रेन करने का, और इसीलिए हम बार बार उनको बुला लेते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। सो हम लोग शुक्रगुजार हैं डॉक्टर राजेश कुमार और उनकी टीम का कि उन्होंने टेक्नीशियंस को सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है, और आप सभी लोगों के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि संडे के लिए आप सब आए हो सीखने के लिए, ताकि आपके पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव करें। आपको याद है वर्ल्ड किडनी डे का इस साल के थीम ही यही है, लिविंग वेल विथ डायलिसिस, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। तो मैं बाद में फिर से आऊंगा, पर अभी ये माइक हम देंगे डॉक्टर राजेश कुमार को टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं राजेश, और बाकी फेसबुक ज्वाइन कर रहे होंगे। सो आई थिंक वी आर ऑन टाइम एंड यू कैन स्टार्ट। ओवर टू राजेश कुमार। ओके सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू टीम मुंबई किडनी फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल लेक्चर ऑन मॉनिटरिंग लैब्स फॉर द सेफ डायलिसिस। ये जो कंसेप्ट है कि लैब्स का जो मॉनिटरिंग्स है, पेशेंट जो डायलिसिस के रहते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उस लैब पैरामीटर में, और उसको हम कैसे सॉल्यूशन, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे समय में नेफ्रोलॉजिस्ट जब उपलब्ध नहीं रहते हैं तो पेशेंट का फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो हमेशा टेक्निकल टीम या टेक्नीशियन रहती है, और उनको उस चीज़ का जवाब देना पड़ता है कि ये पैरामीटर का क्या मतलब है। सो ये मतलब को समझाने के लिए मैंने इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है जो कि हम बेसिक बताएंगे उसके बारे में, लैब पैरामीटर्स के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है वो डॉक्टर पारस डेडिया है, वो केस बेस्ड प्रॉब्लम्स को बताएंगे और उसका वो सॉल्यूशन बताएंगे उस केस बेस्ड प्रॉब्लम के साथ। तो हम पहला जो स्लाइड हम लोग के मन में, या पहला जो बात अपने मन में आता है कि डायलिसिस पेशेंट को इस टेस्ट की क्यों जरूरत है। अगर कोई डायलिसिस पेशेंट रेगुलर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रहा है और सब चीज मेंटेन कर रहा है, डायलिसिस मिस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों बार बार उसको ब्लड टेस्ट करना चाहिए, उसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास पर मंथ का कॉस्ट आता है वो टेस्ट करने का, तो क्यों करना चाहिए, उसका कुछ तो मतलब होना चाहिए। और हम क्या क्या टेस्ट है जो रेगुलरली कर सकते हैं और क्या क्या टेस्ट है जो कभी कभी कर सकते हैं। सो रैशनल जो है, जो कंसेप्ट है कि अगर हम डायलिसिस पेशेंट का टेस्ट, ब्लड टेस्ट हम रेगुलरली मंथली या 6 वीकली कराते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि उनका हेल्थ जो है काफी अच्छा मेंटेन होता है, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम होती है। सो क्या क्या टेस्ट है जो हमको मॉनिटर करना चाहिए, जैसे कि हमको सभी पेशेंट का ब्लड ग्रुप जानना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल प्रोफाइल, सब मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। मैं जब हेडिंग्स बता रहा हूँ कि ये हेडिंग्स है जिसके हिसाब से हम ब्लड टेस्ट करते हैं। बोन प्रोफाइल है, HHH जो है एक सिंपल, HIV, HBsAg और HCV को बोलते हैं, HCV RNA बाई PCR, anti-HBs एंटीबॉडी, आयरन स्टडी, और कुछ टेस्ट जो है वो अनकॉमन है जो कि ब्लड कल्चर, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल है, स्टूल फॉर ऑकल ब्लड करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं, थायराइड का टेस्ट करते हैं, ये अनकॉमन टेस्ट है
कॉमन टेस्ट जो है इस लेफ्ट साइड में है, अनकॉमन टेस्ट राइट साइड में है। कोई भी लैब टेस्ट शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल कंसेप्ट देना चाहता हूँ इस चीज का कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। क्योंकि अभी कोविड का समय है तो ये भी बहुत लोगों के मन में वैक्सीन के बारे में बात आती है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या एंटीजन होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि आगे के स्लाइड्स में इस दोनों कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। एंटीजन वो चीज है जो कि हमारे बॉडी के लिए वो फॉरेन बॉडी है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान अगर आर्मी है तो इंडियन आर्मी हमेशा अपने देश को बचाव करने के लिए कभी भी पाकिस्तान के कोई भी आर्मी के पर्सनल या कोई भी आतंकवादी अगर घुसते हैं तो इंडियन आर्मी उसको या तो वहीं पे शूट कर देती है या उसको न्यूट्रलाइज करती है या अरेस्ट करती है। तो ये एंटीजन है, और बॉडी जब उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर जैसे ही पहुँचता है, बॉडी उसको एंटीजन को एक फॉरेन बॉडी के जैसा रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीजन जो होता है या तो बैक्टीरिया से आ सकता है, वायरस से आ सकता है, पैरासाइट से आ सकता है, कोई केमिकल से आ सकती है, या कोई भी ऑर्गेन जैसे किडनी, लीवर, वो सब ऑर्गेन में एंटीजन होते हैं जो कि बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी होते हैं। और एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन है जो कि बॉडी के अंदर एक डिफेंस पैदा करता है या बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट में। एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे आईसीयू में जब प्लाज्माफेरेसिस करते हैं। राजेश, बीच में चैट में आ रहा है कि बेटर टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश आल्सो। आई डोंट नो हाउ टू मिक्स अप द टू। ओके, आई विल ट्राई दैट। ट्राई दैट, कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? बेटर टू बी इन इंग्लिश, दो जनों का तो आया है। ओके, सो एंटीबॉडीज बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लो। आई विल रीड द स्लाइड एंड देन गिव द हिंदी वर्जन ऑफ दैट स्लाइड। ठीक है, चलेगा। एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड व्हाट यू हैव सीन इन द आईसीयू और इफ यू सी द ब्लड रिपोर्ट, अगर आप ब्लड रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपको देखेंगे टोटल प्रोटीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आती है। तो टोटल प्रोटीन जो है वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन इज पार्ट ऑफ द टोटल प्रोटीन, एंड एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन टुगेदर आर टोटल प्रोटीन। नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम्स टू ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोग रोज पेशेंट के बॉडी के ब्लड को 72 लीटर्स ब्लड को हम रोज प्यूरिफाई करते हैं, और जरा सा मिस्टेक्स पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग लेके आ सकता है और ब्लड लॉस काफ़ी हो सकती है। कभी कभी हमने देखा, साल में तो 2-3 बार कम से कम, 2-3 times इन ए ईयर वी सी दैट प्रॉब्लम, दैट कॉम्प्लिकेशन व्हेन द नीडल इज कमिंग आउट, व्हेन द ब्लड इज स्प्रेइंग ऑल ओवर द बेड्स, और ब्लड जो है पूरा, थोड़ा भी ब्लड अगर बहता है तो पेशेंट को लगता है कि बहुत सारा खून निकल गया। अगर ब्लड बहता है या ब्लड लॉस होता है तो अगर हमारे सेंटर को पता है कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है तो हम इमीडिएटली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। वी विल डू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड सेव दैट पेशेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द ब्लड टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड्स, ऑल टूगेदर 8 types। अगर आप यहाँ देखेंगे 8 तरह का ब्लड ग्रुप है, उसको हम लोग एंटीजन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं। जैसे ए और बी एंटीजन के ऊपर ए बी ओ एंड ए बी है। जो एंटीजन जिस ब्लड ग्रुप में रहता है उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर वो एंटीबॉडी रहेगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को मार देंगे। तो इसके लिए एंटीजन जो है, जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए है, लेकिन उसके बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो बी रहता है। इसके लिए ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप कहीं ब्लड देंगे, अगर बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो कि एंटीबॉडी को, एंटीजन को मार देगा। इसलिए जानना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप जो है वो 2 तरह से डिवाइड किया है, एक ए बी ओ एंड ए बी, और एक पॉजिटिव और निगेटिव है जो रिसर्च सिस्टम के आधार पर किया गया। तो ऑल टूगेदर 8 type ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर, एंड द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O positive and A positive. Almost 70% of the blood group are either O or A. And most rare blood group are AB negative
or B negative. These are rare blood group. Why rare? Because why we have to know this is rare? Because whenever the need is there for blood transfusion, we will not get the blood easily. तो ब्लड ग्रुप की जरूरत जो है जो जगह पे पड़ती है, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पड़ती है और एक किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे हमको पड़ती है। ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जैसा कि हमने यहाँ बताया कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी ग्रुप को दे सकता है और ओ पॉजिटिव भी ऑलमोस्ट सभी को दे सकता है एक्सेप्ट ओ पॉजिटिव। ए जैसा कि इसमें सब बताया है कि ए बी जो है सिर्फ देगा ए बी को लेकिन लेगा सभी से, और ओ निगेटिव जो है देगा सबको, मतलब यूनिवर्सल डोनर है और लेगा सिर्फ ओ निगेटिव से। तो ओ निगेटिव एक अच्छा बात क्या है ओ निगेटिव के लिए कि इतना अनकॉमन नहीं है एज कंपेयर टू ए बी निगेटिव। सो ओ निगेटिव के लिए सभी को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव सभी से ले सकता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ट्रांसप्लांट में, तो ट्रांसप्लांट दो तरह का होता है, एक एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट जिसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग किडनी हम लेते हैं, और एक होता है ब्लड अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप के पेशेंट को हम बी ग्रुप के ब्लड डोनर किडनी डोनर हम लेंगे। तो इनकॉम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट है जो आजकल होते हैं। कभी भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं डायलिसिस यूनिट में, तो हमको ये देखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैचिंग है, ब्लड बैग का जो ब्लड ग्रुप है उसका एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, उसकी यूनिट नंबर देखनी चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि उसमें कोई लीक है कि नहीं है। अगर लीक है तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, वो ब्लड बैग को डिस्कार्ड करना चाहिए या रिटर्न कर देना चाहिए। अगर उसके अंदर ब्लड क्लॉट है या क्लॉडी है तो कभी भी ब्लड को चढ़ाना नहीं चाहिए। एक छोटा सा मिस्टेक डायलिसिस यूनिट में एक पेशेंट की जान ले सकता है। ब्लड बैग या ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पेशेंट काफ़ी अच्छा रहता है डायलिसिस पे, और डायलिसिस ख़त्म होते होते या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते पेशेंट अरेस्ट हो सकता है, जान जा सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यू शुड चेक द लेवल, यू शुड चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड बैग, and you should check the appearance of the blood bag so that you should not harm the patient. Now comes to complete blood count. That is also the short form is CBC. CBC or complete blood count. Complete blood count mein teen component hai, hemoglobin hai, white blood cells and platelets hai. हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 14 से 16 हीमोग्लोबिन या 14 टू 16 ग्राम्स रहते हैं। इन डायलिसिस पेशेंट वी टारगेट 11 टू 12 ग्राम्स परसेंट, और वाइट ब्लड सेल्स का नॉर्मल रेंज जो है 4000 टू 11000 एंड प्लेटलेट का रेंज 1.5 टू 4.5 लैक्स है। नाउ कम्स टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लो हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं। जैसा मैंने बोला डायलिसिस पेशेंट में आवर टारगेट हीमोग्लोबिन इज 11 टू 12, बिकॉज हाई हीमोग्लोबिन व्हेन द हीमोग्लोबिन इज मोर देन 12 दैट विल इंक्रीज द क्लॉटिंग ऑफ द डायलाइजर, इट विल इंक्रीज द क्लॉटिंग ऑफ द फिस्टुला एंड इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस और हार्ट अटैक। जब कभी भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो पेशेंट का क्लॉटिंग टेंडेंसी या खून जमने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, फिस्टुला फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा टारगेट हीमोग्लोबिन जब 11 और 12 रहता है तो पेशेंट जो है अच्छा फील करता है, चेयरफुल रहता है, इरिटेबल नहीं रहता, आप लोग पे गुस्सा नहीं करता है, टायर्ड नहीं फील करता, उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो नॉर्मल होती है। जब कभी भी हीमोग्लोबिन उससे कम होता है, जैसे हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम है उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, और उसके चलते पेशेंट कमजोर फील करता है, फटीग फील करता है, तुरंत थक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, स्लीप इज नॉट नॉर्मल, ही फील टायर्ड, फटीग, वीक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन अराउंड 11 टू 12। नाउ कम्स टू व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल रेंज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 4000 टू 11000, एंड व्हेन द रेंज इज मेंटेन दैट suggests that the possibility of infection is very less.
अगर रेंज जो है 4,000 से 11,000 के आसपास है तो इन्फेक्शन का रिस्क और पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी कम रहती है। यही ब्लड वाइट ब्लड सेल्स अगर 4,000 से कम है या 11,000 से ज़्यादा है, सॉरी नीचे मिस्टेक्स है, 11,000 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हम ज़्यादा मानते हैं, खासकर ओल्ड एज में। कभी कभी वाइट ब्लड सेल्स कम रहना इन्फेक्शन को बताता है और उस कंडीशन को हम लोग लीकोपीनिया बोलते हैं, और जब ब्लड वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोपीनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस बोथ सजेस्ट इन्फेक्शन। नाउ कम्स टू प्लेटलेट। प्लेटलेट का कम होना लेस देन 1.5 लीक्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, एंड प्लेटलेट का ज़्यादा होना मतलब 4.5 लाख से ज़्यादा होना इट कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। सो जब प्लेटलेट कम होता है, डायलिसिस पेशेंट में जब प्लेटलेट कम होता है तो हमको जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है हिपेरिन का डोज का। अगर प्लेटलेट 50,000 से कम है तो हिपेरिन नहीं लेनी चाहिए। अगर प्लेटलेट 50,000 से लाख के बीच में है तो हिपेरिन आधे से कम डोज लेना चाहिए। अगर लाख के ऊपर है तो 5,000 के आसपास हिपेरिन ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन। लेकिन एक और चीज़ है, अगर प्लेटलेट कम है, अगर पेशेंट हैज गॉट अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यू हैव टू इन्फॉर्म द नेफ्रोलॉजिस्ट, बिकॉज समटाइम्स दिस मे बी रिलेटेड टू हिपेरिन यूज। हिपेरिन जो है वो भी प्लेटलेट को कम कर सकता है, और ये जब प्लेटलेट कम होते हैं तो ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा होते हैं। फिशुला नीडल हटाने के बाद फिशुला से ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जब प्लेटलेट हाई रहते हैं, जिस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, सो पेशेंट हैज गॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ फिशुला क्लॉटिंग एंड ऑल्सो द इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। सो आपको जैसे मैंने बताया था, हाई हीमोग्लोबिन ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड हाई प्लेटलेट ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट एंड मॉनिटर द कम्प्लीट ब्लड काउंट। अब एक स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन कम जो होता है वो क्या क्या कारण से होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए मैं एक कहानी बताऊंगा। एक फैक्ट्री है जहां मैं अपने स्टाफ को काफ़ी बार ये कंसेप्ट दे चुका हूं। एक फैक्ट्री है शर्ट बनाने की। शर्ट बनाने के लिए अपने को जो जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एक अच्छा कपड़ा होना, बटन होना, कॉलर होना, धागा होना। अगर थ्रेड इज देयर, बटन इज देयर, गुड क्लॉथ इज देयर and the employee is good, they are getting a proper salary and incentive, then only the clot will come out. The same way, bone marrow mein blood banta hai, uske liye iron, B12, folic acid ki jarurat hoti hai, saath mein achhi dialysis ki jarurat hoti hai, achhi saaf sutra factory ki jarurat hoti hai, aur jahan ki koi bhi infection na ho, aur saath mein incentive ke roop mein erythropoietin mile, agar ye sab cheez mil raha hai, achha mahol hai, तो फैक्ट्री में से ब्लड बन के बाहर निकलता है। अगर फैक्ट्री में काम बराबर हो रहा है, ब्लड बन रहा है, लेकिन फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी चोरी तो नहीं हो रही है, या ब्लड नहीं हो रहा है, ब्लड स्टूल में तो नहीं निकल जा रहा है, ब्लड इज गेटिंग लॉस्ट इन द स्टूल। यू हैव टू डू एंड चेक द स्टूल फॉर ऑकल ब्लड। Also, we have to look for the hemolysis, whether blood is getting destroyed in the body. So these are conditions where we have to look for the reason for low hemoglobin. How to treat? We have to increase the erythropoietin, incentive board, and the iron and B12. बोलना बाबा. Sir, someone has to do that. Some people are. Someone is not muted. Just check. Shreya is talking. Shreya Patange is talking and disturbing us. So, erythropoietin injection can be given along with iron, B12, folic acid. We have to give adequate dialysis to maintain the toxin value. And we have to control the infection to get the proper response to treatment. So next come blood urea nitrogen. अपने मन में सबसे important सवाल आता है, एक तो यूरिया होती है, एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होती है। इसके बारे में हम बताएंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जरूरत क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जरूरत जो हमारे डायलिसिस पेशेंट में पड़ती है, उसका दो रीजन है। एक तो इम्पॉर्टेंट रीजन है, एक तो डायलिसिस की एडिक्वेसी या क्वालिटी ऑफ डायलिसिस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, और दूसरा न्यूट्रिशन, वेदर द पेशेंट इज ईटिंग वेल और नॉट,
whether the protein intake is proper or not, we can monitor by checking the urea nitrogen. So blood urea nitrogen is the waste product, which is produced from the protein metabolism. जब हम प्रोटीन खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनता है और किडनी का काम है उसको निकाल देना. जब किडनी फेल होती है तो यूरिया निकलता नहीं है और यूरिया बॉडी में जमा हो जाता है. और जब हम यूरिया जमा होता है और उसका जो रेंज प्री डायलिसिस वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली यूरिया नाइट्रोजन की 20-80 है. ये कंसेप्ट बहुत समझना जरूरी है कि कभी कभी हम लोग यूरिया देखते हैं 100, तो यूरिया नाइट्रोजन कितना हुआ, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द यूरिया इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. सो अगर ब्लड यूरिया इज 60 मिलीग्राम, देन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज 28 मिलीग्राम. सो नॉर्मल पर्सन हैज गॉट लेस देन 20 यूरिया नाइट्रोजन, बट द डायलिसिस पेशेंट शुड ऑलवेज हैव हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बिकॉज हिज किडनी इज नॉट वर्किंग. इफ द किडनी इज नॉट वर्किंग, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल गो अप. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that blood urea nitrogen should be high rather than normal. Sometimes patient and the relative feel that urea nitrogen is less than normal, so he is getting proper dialysis. So it is not a correct concept. Because if the urea nitrogen is low, that means the patient is not eating well, and that is the reason why the urea nitrogen is less than 20. If the urea nitrogen is more than 100, high blood urea nitrogen, and that has got reason that either the patient is not getting adequate dialysis or the patient protein intake is much, much more. Sir, yeah. Hello. Need to mute all the participant. So urea reduction ratio. Baba, sir, yeah. Real me, my 5Y. Someone is talking. So dialysis adequacy can be checked by measuring the urea reduction ratio or KT by V. This is the scientific concept where urea reduction ratio is calculated from pre-dialysis burn and post-dialysis burn, and it should be less than more than 65%. KT by V is also calculated using the number of values, and it should be 1.2. So it should be dialysis adequacy should be checked every month. And but in my mind, dialysis adequacy for dialysis patient is more major in terms of crude way, like whether the patient is eating well or not, whether the patient is gaining dry weight or not, whether the patient is maintaining interdialytic weight gain or not, whether the patient is walking, talking and doing well, working well. So all these things are important. Agar patient acha dialysis le raha hai, regular dialysis le raha hai, acha khana kha raha hai, acha hemoglobin maintain karta hai, to iska matlab hai ki uski dialysis achhi hai, uska dry weight agar badh raha hai, wo khana acha kha raha hai, wo exercise acha kar raha hai, wo agar kaam par ja raha hai, to ye sab ka matlab hota hai ki dialysis adequate hai. Lekin scientific way mein agar usko measure karna hai, तुम्हारे मशीन में ऑनलाइन क्लियरेंस मॉड्यूल्स होते हैं, OCM बोलते हैं, उससे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. और सेकेंड वे इज डूइंग बाय मेजरिंग द यूरिया रिडक्शन रेशियो और KT by V. सो डायलिसिस एडिक्वेसी कैन बी अफेक्टेड इफ यू आर डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ द डायलिसिस. सपोज डायलिसिस इज गिवन फॉर 4 आवर्स, यू आर कटिंग डाउन द टाइम टू 3 आवर्स. और इफ द पेशेंट इज मिसिंग द डायलिसिस, टेकिंग वंस और ट्वाइस इन ए वीक डायलिसिस, इफ द वैस्कुलर एक्सिस इज नॉट वर्किंग, like a patient is getting poor blood flow on dialysis, or if patient is gaining fluid in between the dialysis. So all these things can affect the dialysis adequacy. So dialysis kam time lena, dialysis miss karna, vascular access ya fistula ka kaam kam karna, blood flow kam rakhna, dialyzer chota rakhna, pani bharna, ye sab dialysis ki adequacy ko affect karta hai. क्रिएटिनिन किडनी का थर्मा, जैसे टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी तरह किडनी के फंक्शन को मेजर करने के लिए क्रिएटिनिन होता है. इसके लिए इस किडनी के मुंह में थर्मामीटर है. क्रिएटिनिन का सोर्स क्या है? क्रिएटिनिन का सोर्स एक तो प्रोटीन इंटेक्स है. मसल्स अगर हम खाते हैं तो मसल्स के ब्रेकडाउन से प्रोटीन बनती है, क्रिएटिनिन बनती है. और जब मटन, चिकन
ये सब को हम खाने बनाने के लिए, उसको कुक करने के लिए जब हम हीट देते हैं तो क्रिएटिनिन जो उसके अंदर रहता है वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है. सो क्रिएटिनिन आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मटन, चिकन, फिश, और इन अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट जो क्रिएटिनिन फॉर्म में होता है. बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक सप्लीमेंट दिया जाता है, उसमें भी क्रिएटिनिन होता है. और इस क्रिएटिनिन को हम किडनी से बाहर निकालते हैं. जब किडनी खराब होता है या फेल होता है तो क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर जमा होता है, उसको मेजर करके हम ये पता करते हैं कि क्रिएटिनिन किडनी का फंक्शन कितना है. जो केमिस्ट्री के या साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म समझेगा. यहाँ पे मैं दो बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ. एक तो है कि क्रिएटिनिन जो मसल्स में एक एनर्जी स्टोर के रूप में रहता है. जब मसल कंट्रैक्ट करती है या हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज एट दैट टाइम दैट स्टोर्ड एनर्जी इज गेटिंग रिलीज एंड गेटिंग कंज्यूम्ड इन मसल कंट्रैक्शन एंड इट प्रोड्यूस क्रिएटिनिन. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है. वो एनर्जी हमको फॉस्फोक्रिएटिनिन से मिलता है. और जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होता है. और ये क्रिएटिनिन जो बनता है वो लीवर, किडनी और पैंक्रियाज में बन के किडनी के द्वारा बाहर निकलता है. सो जब बहुत हाई क्रिएटिनिन हो, जैसे किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन 15, 16, 18 है, तो इसका मतलब होता है कि आइदर पेशेंट आर गेटिंग इनएडिक्वेट डायलिसिस और दे हैव गॉट एक्सिस प्रॉब्लम या डायलाइजर साइज इज स्मॉल. इफ अ 70 केजी पर्सन आर यूजिंग 1.2 मीटर स्क्वायर डायलाइजर then you can have very high creatinine or the creatinine removal is not adequate on dialysis. If the person is missing the dialysis or taking once or twice in a week dialysis, his or her creatinine will be very high. If a person is having diet compliance problem, like eating lot of chicken, mutton, lot of non-vegetarian menu in his diet, then his creatinine will be high, very high. So if the person has got normal to normal, you should not take normal, but at least 2-3-4 के आसपास creatinine रहती है in dialysis patient. उसका मतलब होता है कि वो patient का muscle waste हो रहा है, weight loss हो रहा है, appetite नहीं है, he is getting inadequate dialysis, he is not mobile, he is bedridden. अगर bedridden person है, appetite नहीं है, muscle waste होगा, तो creatinine कम होगा. उस समय हमने देखा है कि डायलिसिस जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय क्रिएटिनिन 4 था. स्टार्ट करने के बाद पेशेंट का एपेटाइट अच्छा होगा, पेशेंट मोबाइल हो गया, पेशेंट बाहर जाने लगा, पेशेंट काम पे जाने लगा और पेशेंट का क्रिएटिनिन 8 हो गया. वो मेरे पास आता और बोलता है कि व्हाई माय क्रिएटिनिन इज 8 व्हेन आई स्टार्टेड माय डायलिसिस एट दैट टाइम माय क्रिएटिनिन वाज 4. सो वेदर आई एम गेटिंग एडिक्वेट डायलिसिस और नॉट. सो हियर द एडिक्वेसी व्हाई द क्रिएटिनिन हैज गॉन अप. Because creatinine has gone up, because we have given good dialysis, and because of the good dialysis, his other toxin has also got removed. He has got a good appetite. He is eating well. He has started moving. His muscle has started contracting. He has started producing more creatinine, and that is the reason creatinine has gone up. So, in such situation, creatinine ka badhna from low level to high level on dialysis is not a bad sign. But very high creatinine is a bad sign. But moderately high creatinine, 7-8, in dialysis patient is good, because that means patient is mobile, patient is doing well, patient is eating well. So it is very important to understand the concept. It is also important that sometimes we use creatinine to hold the dialysis in a case of acute kidney injury or temporary renal failure or acute on chronic kidney. जो आईसीयू में पेशेंट आते हैं टेम्पररी रीनल फेल्यूर लेके, जिनका क्रिएटिनिन अचानक बढ़ता है, हम टेम्पररी डायलिसिस करते हैं, उसकी यूरिन आउटपुट इंप्रूव हो जाती है, तो कभी कभी हमको डायलिसिस होल्ड करने के लिए क्रिएटिनिन को मेजर करके हम ये चेक करते हैं कि वेदर द डायलिसिस इज रिक्वायर्ड और नॉट. जो लोग आईसीयू सेटअप में काम करते हैं उनको पता होगा कि आईसीयू में डायलिसिस इज नॉट फिक्स्ड थ्राइस इन अ वीक और 4 times इन अ वीक. आईसीयू डायलिसिस डिपेंड ऑन क्रिएटिनिन वैल्यू, urine output, acidosis, electrolyte problem, and patient condition. So all these factors should be known before this taking the decision about the dialysis in acute setting. In chronic setting, all these things are fixed. Patient has to take thrice in a week dialysis, 4 hours, because we know that his or her creatinine will be around 8 or 9.
नाउ कम्स टू एल्बुमिन. एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो बॉडी में लीवर में बनता है और किडनी उसको निकालने से रोकता है. प्रोटीन जब हम खाते हैं तो शरीर में जाके एल्बुमिन में बदलता है. और पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं उनका अगर एल्बुमिन कम है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रोटीन का इंटेक उनका कम है या लीवर में कोई खराबी है जिसके उसका एल्बुमिन का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. सो एल्बुमिन का कम होना या तो एपेटाइट का कम होना है या इनएडिक्वेट डायलिसिस है जो आगे के स्लाइड में बताएंगे. और इसको साल महीने में एक बार जरूर मॉनिटर करना चाहिए और ये 4 से ऊपर होना चाहिए. बहुत सारे स्टडी किए गए, ये सब साइंटिफिक स्टडी है जो साइंस बताता है कि अगर एल्बुमिन 3.5 से कम है तो आप देखोगे कि मॉर्टिलिटी जो मरने की संभावना है डायलिसिस पेशेंट की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. जब एल्बुमिन 3.5 के ऊपर है तो मौत कम होती है, जब एल्बुमिन 3 से कम है तो मौत ऑलमोस्ट 3 times हो जाती है. तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम एल्बुमिन को अच्छा मेंटेन करें तो मॉर्टिलिटी कम होती है. मॉर्टिलिटी मतलब मौत. और भी स्टडी मैंने छोटे छोटे लाए हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो हीमोडायलिसिस पेशेंट के हैं अगर एल्बुमिन 3.4 से ज़्यादा है तो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम हो जाता है. अगर 3.5 से कम है जिससे 3.2 है तो हॉस्पिटलाइजेशन और मौत की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है. और एक स्टडी में ये भी देखा गया कि अगर एल्बुमिन कम है तो डायलिसिस के ऊपर ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. एल्बुमिन को इन्फेक्शन से भी जोड़ा गया है. अगर एल्बुमिन कम है तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है. तो अभी आपने देखा कि एल्बुमिन कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर पेशेंट अच्छा खाना खा रहा है तो उसकी प्रोटीन इंटेक अगर अच्छी है तो उसका एल्बुमिन अच्छा रहेगा. अगर एल्बुमिन अच्छा रहेगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होगा और हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी, जान जाने का खतरा कम होगा. सो एल्बुमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ टू बी मेंटेन मोर देन 4 एंड व्हेन द एल्बुमिन इज लो दैट मीन्स अ पेशेंट इज आइदर गेटिंग इनएडिक्वेट डायलिसिस और हैविंग अ पुअर एपेटाइट विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. इट विल इंक्रीज द mortality, it will increase the hospitalization and hospitalization death. This is very important to maintain the albumin to more than 4. Now comes to salt, sodium. Sodium is important in dialysis. What are the important things? First, we have to know that normal range is 135 to 145. If the sodium is low in the body, that is 135 or less, that means either patient is drinking a lot of water or interdialytic weight gain is more than 3 kg. If you tomorrow see the reports of some of the patient who has got an interdialytic weight gain of more than 3 or 3.5 liter, they may be having two problems. One is either their sodium is low or their sodium is high. High sodium because he is eating a lot of salt, and because of lot of salt, he has got increased thrust, he is drinking more water, and because of more water, he may be having a lower sodium. Sodium may be low because of the problem of conductivity on the machine, or maybe because we have prepared the dialysis poorly. That means either over or under dilution can cause low or high sodium. Some medication can also cause low sodium. So sodium balance is done in the dialysis patient by whatever we take in the diet, that salt has to be removed by the dialysis. So in dialysis, इन बिटवीन द डायलिसिस जो 2 दिन का या 1 दिन का गैप होता है उसमें जो भी सॉल्ट हम स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, रिटेन करते हैं, वो डायलिसिस में निकल जाना चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे. तो जो सोडियम निकलता है डायलिसिस में दैट इज रिमूव्ड बाय 2 mechanisms. वन इज द कन्वेक्टिव एंड सेकेंड इज द डिफ्यूजिव लॉस. डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग द सोडियम ग्रेडियंट. सोडियम ग्रेडियंट मीन्स from high concentration to low concentration. If the body sodium or blood sodium is 145, if the dialysis sodium is 140, we have got a gradient of 5, and the sodium from sodium from the blood or body will go into the dialysis and getting lost, and that can decrease the sodium in the blood so that balance is maintained. Most of the time we are using fixed dilated sodium concentration.
हर पेशेंट को इंडिविजुअल के जैसा हम ट्रीट नहीं करते हैं। हर पेशेंट को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब कभी भी एक पेशेंट का डायलिसिस खत्म हो जाता और दूसरे पेशेंट को ले लेते हैं उस मशीन पे, तो मशीन पे लेने के बाद वो पेशेंट के पैरामीटर के ऊपर, उसकी पोटेशियम क्या है, उसकी सोडियम क्या है, उसकी कैल्शियम क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, वो हिसाब से हम उसके ब्लड फ्लो को, उसके डायलिसिस फ्लो को, उसके डायलाइजर को, उसके सोडियम को हम चेंज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कम करके देना है डायलिसिस, कूल डायलिसिस देना है कि नहीं, बाइकार्बोनेट कम है तो हाई बाइकार्बोनेट देना है कि नहीं। सो डायलिसिस पेशेंट में हम ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम सब पेशेंट को सेम सेट में, सेटिंग में हम डायलिसिस करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमको हर पेशेंट के इंडिविजुअल पैरामीटर के हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। नाउ कम्स टू पोटेशियम, डू यू नो हाउ मच बनाना, हाउ मेनी बनाना यू शुड टेक टू हैव ए नॉर्मल पोटेशियम इंटेक पर डे? अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल या पेशेंट 6 बनाना खाता है तो रोज एक दिन का वो पूरा पोटेशियम वो खा लेता है। एक दिन में पोटेशियम का जो इंटेक होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पोटेशियम जो है 90% किडनी के द्वारा निकलता है बॉडी से। जो भी हम खाने में खाते हैं पोटेशियम, वो 90% किडनी से निकल जाती है और 10% स्टूल में निकलती है, और जो उसका ब्लड लेवल है वो 3.5 से 5.5 है। सो आप देखोगे 3.5 to 5.5 मीन्स अ वेरी नैरो विंडो मीन्स अ लो पोटेशियम ऑफ लेस देन 3.5 और हाई पोटेशियम ऑफ मोर देन 5.5, बोथ विल इंक्रीज द मोर्टिलिटी। तो देर इज ए यू सेप कर, दैट मीन्स बोथ द एंड हैज गॉट बैड प्रोग्नोसिस। सो पोटेशियम का कम और ज्यादा होना पेशेंट की जान को खतरा में डालता है, और यहाँ पे देखेंगे कि रेंज काफी पतला है 3.5 to 5.5। क्यों पोटेशियम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्ट रिदम को कंट्रोल करता है, हार्ट की गति को कंट्रोल करता है, हार्ट की जो रेगुलरिटी है उसको कंट्रोल करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, नर्व एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पोटेशियम को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करें। और आपने देखा होगा कि आपके डायलिसिस, किसी भी डायलिसिस यूनिट में 10 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पोटेशियम हाई होता है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दे हैव गॉट नो सिम्टम्स एंड सडनली दे डाई ड्यूरिंग द स्लीप, सोते सोते मर जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, पता नहीं चला सर, लगता है हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक नहीं रहता। अगर इन लोग में पोटेशियम अगर हाई है तो कार्डियक अरेस्ट होता है, जो सोते सोते हो जाता है, पता भी नहीं चलता। Sometimes patient complain of sinking feeling, लगता है सर गिर जाऊंगा, ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। क्यों गिर जाऊंगा? क्योंकि मसल वीक होते जाता है, फटीग होते जाता है, पैरालाइज होते जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पोटेशियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो जो खड़े होने की हालत है वो नहीं रहती है, और हमको लगता है कि हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ तो ऐसा फीलिंग आती है जो कि पेशेंट कंप्लेन करता है। पोटेशियम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पोटेशियम को अगर हम देखेंगे तो डाइट में, हम नॉर्मल डाइट में 75 से 100 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम हम लोग खाते हैं, हम लोग मीन्स नॉर्मल आदमी। सो यूजुअल पोटेशियम इंटेक इज 3000 to 4500 मिलीग्राम एंड इन मिली इक्विवेलेंट इट विल बी 75 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे। सो दिस पोटेशियम इज देयर इन एवरी फूड्स। सो देयर आर फूड्स विच हैज गॉट हाई पोटेशियम एंड देयर आर फूड विच हैज गॉट लो पोटेशियम। So dietitian need to advise which foods are good for their body. So जब किडनी पेशेंट का किडनी काम नहीं कर रहा है तो ये पोटेशियम जो हम खाते हैं वो बॉडी में जमा होता है, और वो जमा पोटेशियम में 10% पार्ट ही है जो स्टूल में निकलता है, ऑलमोस्ट 10 मिली इक्विवेलेंट जो है स्टूल में निकलता है। अगर हम डायलिसिस करते हैं उस पेशेंट का, सो 75 मिली इक्विवेलेंट जो है पर सेशन निकलता है, एक सेशन में 75 मिली इक्विवेलेंट निकलता है। तो हमको ये जो इंटेक है, जो नॉर्मल इंटेक 75 है ना, उसको हमको 50% कम कर देना चाहिए। जैसे अगर हम 40 से 50 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम खाएं, डायलिसिस का पेशेंट अगर खाए, और 75 से 100 मिली इक्विवेलेंट हम अल्टरनेट डे निकाल दें डायलिसिस में, और 10% हम गट से निकालें,
तो देखो बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस नहीं हो पाता है तो हमको स्टूल से निकालने का जो पार्ट है उसको हमको बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए हम पोटेशियम बाइंडिंग दवा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड के बाइंड, और सोडियम पॉलीस्टीन सल्फोनेट, एंड दैट बाइंड्स टू द पोटेशियम एंड रिमूव द पोटेशियम इन द गट। बट आइडियल वे इज टू कट डाउन द डायट्री पोटेशियम एंड ट्राई टू रिमूव दैट पोटेशियम ऑन डायलिसिस। सो एवरेज रिमूवल इज 1.22 milliequivalent per kg. If the 50 kg person is there, we are removing 60 milliequivalent. If the 80 kg is there, we are removing 90, almost 80 milliequivalent. So depending upon the body weight and pre-dialysis plasma potassium, because potassium gradient will remove the potassium in dialysis. So pre-dialysis potassium is also very important. So what are the way your dialysis system to be changed to increase the potassium removal on dialysis? When you want to remove the potassium in the dialysis, we have to increase the duration of dialysis. We have to increase the frequency of treatment. We have to lower the dialysate potassium concentration. These are controversial heading. These lowering the dialysate potassium concentration is controversial, because if you are giving a potassium free dialysis in first 2 hours, you are increasing the gradient. If the patient potassium is 6 and dialysate potassium is 0, your gradient is 6. So you will get a rapid removal of potassium in the first 2 hours, and that can cause sudden lowering of potassium in the blood, which can increase the rhythm problem in the heart, and patient can have a cardiac issue. So lowering the dialysate potassium, I usually preferred giving a K1 at the end of the dialysis or last 2 hours of dialysis, so that the gradient is maintained throughout the dialysis. Suppose gradient is dialysate potassium in the beginning is 2 and blood potassium is 6. We have got a gradient of 4. After 2 hours, blood potassium will go down to 4. And if you are reducing the dialysate potassium to 0 or 1, your gradient will be 3 to 4. So in the first 2 hours also gradient is 4. In the last 2 hours also, the gradient is 4. So by doing that, we can avoid the rhythm problem in the heart. So next things come is, what advice you will give dialysis patient to change, to decrease the potassium? That means potassium ko kam agar karna hai, to kya kya advice aap patient ko doge? चूंकि आप फर्स्ट कांटेक्ट हो तो आपको क्या क्या देखना है कि पोटेशियम अगर वो खाने में ज्यादा खा रहा है, जैसे वो केला खा रहा है, नारियल पानी पी रहा, नारियल है, ड्राई फ्रूट्स है, पालक है, सो आलू है, अगर ये सब चीज ज्यादा खा रहा है तो पोटेशियम ज्यादा होगा। इसके लिए वी हैव टू गिव अ डायटिशियन काउंसलिंग, वी हैव टू चेक फॉर द एक्सेस वेदर ही इज गेटिंग एडिक्वेट डायलिसिस, वेदर ही इज गेटिंग एडिक्वेट ब्लड फ्लो फॉर द प्रॉपर डायलिसिस। You have to check that whether the dialysis duration is getting cut down, whether he is missing the dialysis. If he is missing the dialysis, we have to explain them that missing means killing, because we are not monitoring your potassium. So don't miss the dialysis. Don't cut down the duration of dialysis, because by cutting down duration of 1 hour, you are decreasing the potassium removal by 25%. That means anyway, you are not removing the complete potassium. If you are decreasing the duration, you are decreasing the potassium removal. So check potassium more frequently to avoid the emergency. Now comes to bone profile for a skeleton. Bone profile contain calcium, phosphorus, albumin, bicarbonate, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, and vitamin D3. These are the package which contain these tests. And when you talk about calcium, calcium varies from 9 to 11. And it is important for making the bone healthy and strong. It is also very important for clotting, muscle contraction, and heart beating and pumping. So it is not that the calcium is important only for bone, but also very important for clotting, muscle contraction, heart beat, and heart pumping. We have to understand one thing, that if the patient has got if you are using serosit or citrate lock solution, citrate lock or citrate is preventing the clotting by binding with the calcium.
and that way it is anticoagulant. So calcium of less than 9 is hypocalcemia or low calcium. Calcium of more than 11 is high calcium. And the reason for both are, the reason for low calcium is low diet intake, vitamin D deficiency, renal failure, or when you are using citrate in lock solution, if the blood transfusion is there, blood also contain triple citrate, which prevent the blood coagulation in the blood bag. Drug like cinacalcet, sometimes you can see that doctors or nephrologists are using cinacalcet, or the brand name is PTH, or denosumab for osteoporosis. This drug also can reduce the calcium. Why I am discussing cinacalcet and denosumab? Because abhi iski use bad gayi hai. Pahle ye itna use nahi hota tha. Abhi kafi use hota hai, aur jab ye use hota hai, to humne dekha hai ki patient ka calcium kafi kam ho jata hai. To ye do dawa aapko janna chahiye. और तीसरा जो जानना चाहिए कि सीना सेरोसेट और लॉक सॉल्यूशन जो साइट्रेट बेस्ड है जो हम कैथेटर में डालते हैं, अगर हम सिर्फ लॉक के जैसा यूज करें, मतलब कैथेटर ल्यूमेन में सेरोसेट को रखें, तब कैल्शियम कम होने की संभावना नहीं होती है. लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जब हम सेरोसेट को पुश कर देते हैं और वो ब्लड में जाता है तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है टिंगलिंग का, ओठों पे, जीभ पे, हाथों में टिंगलिंग होती है. तो हम हमेशा टेक्नीशियन को सजा देते हैं कि आप उसको रखना है, लॉक सॉल्यूशन को रखना है कैथेटर के अंदर, पुश नहीं करना है, और कंसंट्रेशन जो भी ल्यूमेन का वॉल्यूम है उतना ही लेना है, न कि उससे ज्यादा लेना है. कभी कभी हमारा कैथेटर का वॉल्यूम 3.2 ml रहता है, 1.6 इन बोथ द ल्यूमेन, एंड वी यूज टू टेक 5 ml ऑफ सेरोसेट एंड वी पुश. So 3.2 ml will remain in the catheter and 1.8 ml will go in the blood, and that will bind to the calcium, and the active form of calcium transiently, temporarily go down and can cause symptoms of tingling in the lip, tongue and finger. So just keep a watch on serocet solution, because this is important in day-to-day dialysis care. High calcium is because of excess of vitamin D if a patient is taking more calcium, or if we are using calcium tablet. Now comes to phosphorus. Calcium and phosphorus come together. So phosphorus is also important for bone and teeth, and it is an important component of nucleic acid and ATP. ATP is the energy in the body. So it is very important, because energy is required by each and every organ of the body. So low phosphorus is also harmful, and high phosphorus is also harmful. What are the food where the phosphorus is high? All the milk product, all the non-vegetarian menu, all contain a lot of phosphorus. If you see in egg, if you are taking complete egg, you are taking almost 95 milligram of phosphorus in each egg. But if you are taking only white portion and removing the yolk, you are hardly, only 10% of the phosphorus are getting consumed. So it is very important to tell the patient not to use complete egg. You have to take only egg white to increase your protein intake. So phosphorus control, daily intake is 1000 milligram per day. We remove 400 milligram in the gut and 300 milligram by diet, medicine. So dialysis only removes 700 milligram per session. It is very important that phosphorus intake should be controlled, because dialysis is not removing the phosphorus completely. So some part we have to remove by having a phosphate binder. So to remove the or to control the phosphorus, we have to have a medicine to be used to decrease the phosphorus. So phosphate binder are, you have seen Selcal, you have seen Lophos, Phosphate, Lanam, all these are calcium acetate. Calcium acetate decrease the phosphorus and increase the calcium less as compared to calcium carbonate. If you want to increase the calcium more, you have to use calcium carbonate. If you want to decrease the phosphorus more, you have to use calcium acetate. And there are non-calcium binder. If the patient has got high calcium, high phosphorus, we have to use either Sevelamer, like Renvela, and different products are there in the market. Lanthanum is there, phosphate is there in the market, and the newer molecule like sucroferric oxohydroxide,
and Ferric Citrate. These are the two new phosphate binder currently available in Indian market. Parathyroid hormone is behind the thyroid is parathyroid gland, and which is secreting parathyroid hormone. And parathyroid hormone can cause, low parathyroid hormone can cause bone disease, and high parathyroid also can cause bone disease. In normal person, the parathyroid hormone is 14 to 65 picogram per ml. In dialysis patient, it should be 3 to 5 times of the normal. That means a patient should have 150 to 300 picogram of PTH in dialysis patient. This is a normal range in dialysis patient. So there are something you have to know. The hemoglobin target is 11 to 12. PTH target is 150 to 300. These are the target modified for dialysis patient. So we have to maintain the PTH between 150 to 300 to avoid the adynamic bone disease, and more than 300 to avoid the hyperparathyroidism or high bone turnover disease. So patient who has got high PTH has got high phosphorus and low calcium. Low calcium increase the PTH, high phosphorus increase the PTH. If the patient has got excess calcium, which can decrease the PTH. So in such patient, if the patient has got high calcium, we have to treat with low calcium dialysate. If you are using a low calcium dialysate, PTH will start improving. So that is one treatment for low PTH patient, where we can use a low calcium dialysate and increase the PTH. So these are the two forms of metabolic bone disease. I will not go in detail. Now comes to bicarbonate, because another 5 minutes I will take, because I'm already crossing my time. So if I am not using the proper bicarbonate, patient can get acidosis, or high bicarbonate means alkalosis. So metabolic acidosis is very frequent problem in dialysis patient, and correction is important to improve the quality of dialysis. If the patient is getting proper bicarbonate, then the bicarbonate will be maintained around 22 to 24. And it is very important to make the dialysate bicarbonate fresh. It should be used within 6 hours of formation, making it. Because if you are keeping in the open atmosphere, the bicarbonate will get lost in the form of carbon dioxide. So it is very important to avoid the bacterial contamination and loss of bicarbonate by using the bicarbonate part immediately. So if the bicarbonate is low in dialysis patient, it can increase the muscle wasting, it will increase the protein synthesis, it will cause bone disease, it will cause growth impairment and poor heart function. It's very important to maintain the bicarbonate in the body. So muscle wasting in dialysis patient is because of poor protein intake, poor dialysis quality, excessive ultrafiltration, and low bicarbonate. So these are the important, if the patient is losing weight, if the dry weight is going down, that means protein intake is not proper, dialysis quality is not proper, we are using low bicarbonate dialysate, or dialysate is not prepared freshly, or if you are removing a lot of water in the dialysis, that can also cause muscle wasting. Comes to iron study, iron is a part of hemoglobin and iron need to be replaced. Iron is also very important for muscles protein. Muscle protein contain myoglobin, which is also contain iron. So it is very important to know the source of the irons, but most of the source of the iron can also increase the potassium. So that is the reason we don't advise patient to take iron rich diet, because that can also increase the potassium in the blood. So it is better to avoid the iron rich source to avoid the high potassium. So it is good to give iron injection. So what we are doing, we are checking the iron level and transferring saturation. There are some indirect evidence. If you are good, you can check the CBC reports. You can see MCB, MCH, MCSC. These are all low in patient who has got iron deficiency. So there are products like iron sucrose and iron carboxy polymaltose. You are knowing by name of sufficient, Orofer, Curon, Insifer. It is given in 100 milligram in 100 ml normal saline over 1 hour during last hours of dialysis. Those depend on how much is the iron value and how much is the transferring saturation.
and maintenance dose usually is 100 milligram twice in a month. It should never given in bolus. Sometimes we give at the end of the dialysis in the bolus. It should be avoided because 90% times you will not have any problem, but out of 100, 10% may get reaction and can collapse on dialysis. So one drug which can be used in the bolus form is iron carboxy polymaltose, now available in the form of Insicarb or Ferinject. It can be given in large dose of 1000 milligram also, but in a dialysis patient, it's always better to use 100 milligram at the end of the dialysis. It can also be given slowly in 5 minute time. Now, triple H. Viral serology is important to prevent cross infection in dialysis. So HIV, the risk of transmission in the dialysis unit is very small because HIV is very sensitive virus and it die once it is out of the blood. So HIV transmission is very rare in dialysis unless you are getting a blood transfusion with HIV positive infection or you are sharing the contaminated needle from the HIV patient. Otherwise, in dialysis unit, transmission of HIV is not there, is almost rare. So it is more of a social problem. When you ask any dialysis technician to do dialysis for HIV patient, HBV or HCV, he will happy to go for doing dialysis in hepatitis B and C, but not for HIV. HIV, although is having very small risk of transmission, but it is having more of a social problem. So that is the reason why technicians are reluctant to do the dialysis of HIV positive patients. Hepatitis B is the most dangerous form of virus in the dialysis. It is transmitted. It can survive for 7 days on the dialysis machine, and it can go if you are not using the universal precaution. The most important way of transmission is if you are using multi-dose vial and contamination of the surface of the medical equipment. So it is very important that to prevent the hepatitis B and C infection, you have to clean the surface after every dialysis. There are sometimes you can have transducer protector where the blood enters, go inside, and you are not washing that. That is also a source of hepatitis B or C infection transmission. So it's very important that after each dialysis treatment, we have to clean the surface with Bacillol. So hepatitis B is a preventable disease. So it is always better to prevent that by vaccinated all the kidney patient, including the dialysis patient, and all the staff should be vaccinated against the hepatitis B infection. And the staff should also check their antibody to get the proper knowledge that whether he is protected or not. So vaccination as early as possible. Vaccination is double dose and extra dose. In normal person, we are using 3 dose, 1, 2, and 6, 0, 1, 2, and 0, 1, and 6. And in the kidney patient, we are giving 4 dose and double dose, 2 ml, 4 dose. So it is important to know this. And if a patient is positive in the dialysis unit, we have to take him in the isolation area. Better to use a separate machine, equipment, and consumable. Staff handling the positive patient should be separate, and you should use the single-use dialyzer and tubing. It is a very serious liver infection. You know that there is no cure, but it can be easily prevented. And so protect by getting the hepatitis vaccine for yourself and for your patient. It is a very important message for you. So anti-HBs antibody is the protective antibody. As I explained you, antigen and antibody. Antigen is the hepatitis B virus, or antibody is the protective antibody produced inside the body. So that if you are having anti-HBs antibody, agar aapke body mein ye antibody hai, to aapko hepatitis B virus aapke sharir mein koi bhi effect nahi chhodega. Iske liye bahut zaruri hai ki aapki hepatitis B antibody more than 10 honi chahiye. अभी हम HCV एंटीबॉडी की बात करते हैं. HCV एंटीबॉडी एक ब्लड टेस्ट है जिससे हम पता करते हैं कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है कि नहीं. पहले हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन लास्ट 5 ईयर से इसकी ट्रीटमेंट आ गई है और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जो है वो क्यूरेबल है. नाउ यू कैन ट्रीट एंड मेक द पेशेंट क्योर्ड ऑफ हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन. सो HIV इज कंट्रोलेबल डिजीज, नो क्योर. हेपेटाइटिस बी इज कंट्रोलेबल डिजीज, नो क्योर. But hepatitis C is a curable disease now. You can make them cure
The hepatitis C virus will be killed by the drugs in the body. So it is very important to know these two tests, hepatitis C antibody and hepatitis C RNA test. Patient can be having a positive hepatitis C antibody lifelong, but may be having a hepatitis C virus negative. So if a person is negative virus and positive antibody, that means he is not having active SCV infection. He should be taken on the negative machine in the third shift or last shift, and machine should be disinfected. He should not be isolated because he is not having active infection. If you continue taking this patient on the positive machine, he will reinfect. You will reinfect the patient because patient already taken the treatment and their virus is not there. Only the response to the virus, that is positive HCV antibody, is there. So it is very important to understand this concept, that if the SCV RNA is negative and SCV antibody is positive, active SCV infection is not there and patient can be taken in last shift on negative machine. So conclude, lab monitoring is important to be monitored for keeping the patient healthy. Maintaining good hemoglobin, albumin and potassium will extend the life of the dialysis patient by preventing the hospitalization and death. Basic tests like CBC, urea, creatinine, electrolyte, albumin should be done every monthly. Bone profile and triple H every 3 monthly, iron study and liver profile every 6 monthly, and anti-HBs antibody every yearly. So we should make effort to keep the dialysis patients safe by monitoring this lab. Thank you very much. So Rajesh, thank you very much for an extensive discussion on a topic which is so important. सब लोगों को क्या लगा ये टॉपिक जरूरी था कि नहीं, पूछ नहीं सकते आपको क्योंकि आपको म्यूट किया है, लेकिन चैट में डाल देना अगर किसी को पसंद आया तो, और नहीं भी आया तो नहीं पसंद आया तब भी डाल देना। सो दोस्तों, अभी जितने लोग सुन रहे हैं उनको एक और संदेश, थैंक यू लिखा है किसी ने, सुभजीत मुंडल टू एवरी वन। ओके, तो एक और गुजारिश है, अगले संडे को, बस 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 अभी अभी सब लोग ने थैंक्स थैंक्स डाल दिया, बस हो गया, मैं समझ लिया, पूरी ऑडियंस को पसंद आ गया, वेरी इन्फॉर्मेटिव। अब मेरा सुन ले यार बेटा, मैं 2 मिनट बोलने वाला हूँ। अगले संडे को जो प्रोग्राम है वो इट इज इन द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे, यानी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो आप लोगों का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी गुजारिश है कि आप सभी लोग अगले संडे का प्रोग्राम जरूर देखना है आपको। ये इवनिंग में है, शाम को व्हाट टाइम वी हैव केप्ट, 5 to 7, तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में है। 5 बजे शार्प शुरू हो जाएगा, जैसे हमारे सारे प्रोग्राम टाइम पर शुरू होते हैं। ये पेशेंट्स परफॉर्म करेंगे, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले, लेकिन इसमें टेक्नीशियंस का रोल इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर देने से आप लोगों को बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, फिल्मी क्वेश्चंस हैं, डायलिसिस वाले नहीं हैं। राजेश कुमार जैसे एकदम टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं हम लोग बहुत सिंपल फिल्मी डायलॉग्स, और फिल्मी के एक्टर कौन था, मूवी कौन सी थी, और इसके ऊपर आपको बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। सो नॉट ओनली आपको लॉग इन करना है, आपके हर एक पेशेंट्स को ये मैसेज भिजवानी है। ऐसे ही आपको फेसबुक लाइव और जूम का कॉन्टेक्ट भेजा जाएगा इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। तो प्लीज, जैसे बाकी प्रोग्राम आपने अटेंड किए हैं वैसे अगले संडे का जरूर आपको अटेंड करना है। और ये सारे पेशेंट्स जो डांस और सॉन्ग में भाग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए तालियां बजानी है, उन लोगों के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी है, और आप सबको प्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि इसके सिंपल क्वेश्चंस और लकी ड्रॉ सब कुछ है, और कम से कम 20-25 प्राइजेस आपको सबको मिलेंगे। इसलिए जरूर भाग लेना, और अपने पेशेंट्स को भी बोलना भाग लेने के लिए, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, सब लोगों के लिए। ओके, सो बहुत सारे प्राइजेस हैं, आप लोग खुश हो जाओगे अटेंड करने के। एंड एवरी 10-15 मिनट्स में प्राइज है, ताकि आप पूरा अटेंड करो, और जो ऑफकोर्स अटेंड नहीं करेगा उसको तो खैर नहीं मिलेगा, उस समय होना चाहिए जब प्राइज अनाउंस किया जाएगा। यस, सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, और डॉक्टर पारस देडिया वेटिंग में है, राजेश कुमार ने थोड़ा सा उनका टाइम ले लिया, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा लंच लेट खाइएगा। सो पारस,
सर कैन वी एम आई ऑडिबल सर यू आर ऑडिबल राजेश जरा पारस का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में दे दो क्योंकि पारस इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड ही नीड्स अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन बट ही इज सो गुड दैट अपने आप इसकी स्पीच ही इसका टॉपिक इसका लेक्चर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि कैसे अच्छे टीचर हैं राजेश आई विल यू नो रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस पारस डेडिया डॉक्टर पारस डेडिया डिड हिज एमबीबीएस फ्रॉम बॉम्बे एंड इन्होंने बॉम्बे से बाहर जाके एमडी जो है यूएस में किया अमेरिका में किया और बाद में इन्होंने ट्रांसप्लांट फेलोशिप किया सिनसिनाटी से यूएस की एक बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है जहाँ से इन्होंने ट्रांसप्लांट का बारे में और पूरे किडनी के बारे में 2 साल का स्टडी किया वहाँ से बहुत कम लोग होते हैं जो अमेरिका से वापस इंडिया आते हैं अपने पेरेंट के चलते ये एक है जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन करता है अमेरिका इंडिया से सब ब्रेन जो है ब्रेनी लोग जो है टैलेंटेड लोग हैं जो अमेरिका में जाते हैं ये एक ऐसे सज्जन हैं जो कि अमेरिका के सब चहक दमक सब जो भी लाइमलाइट होते हैं उनको छोड़ के बॉम्बे में आए और उन्होंने अपनी नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस 5 साल पहले शुरू की और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी एजुकेशन में बिलीव करते हैं बहुत सारे इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो टेक्नीशियन के साथ हैं उनके साथ ये काफ़ी कुछ केस बेस्ड डिस्कशन करते रहते हैं फोटो शेयर करते हैं और उस फोटो के ऊपर क्वेश्चन करते हैं जैसा कि सर ने मुझे मेरे बारे में बोला कि मैं टफ क्वेश्चन सेट करता हूं लेकिन पारस सर जो है वो ज्यादा टफ क्वेश्चन शेयर करते हैं लेकिन काफी कुछ उनका जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है वो काफी कुछ केस बेस्ड है काफी कुछ पिक्चर बेस्ड है सो आज मैंने इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप केस का जो भी केस जो है 8-10 केस लेके उसके बारे में आप डिस्कस करो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डॉक्टर पारस डेडिया आप बताइए कि कैसे हम डायलिसिस पेशेंट को अच्छा रख सकते हैं सो पारस डेडिया घर वापसी में बिलीव करते हैं यस ओके तो पारस हमारा जो संडे के प्रोग्राम भी आपके सारे ग्रुप्स में आपको फॉरवर्ड करना है अगर हमारे संडे के प्रोग्राम में आपके लोग नहीं आए किया ना वेरी गुड ठीक है और एक और क्वेश्चन था तो लोगों की गुजारिश की वजह से हमने इंग्लिश में रखा है लेकिन आधा इंग्लिश आधा हिंदी अगर रहेगा तो बेटर रहेगा किसी की कंप्लेंट नहीं रहेगी ओके ओवर टू पारस थैंक यू सर जैसे हमने अभी थियरी देखा कि क्या लेबोरेटरी टेस्ट डायलिसिस पेशेंट को मंथली और 3 मंथली देखना है तो अगले 25 से 30 मिनट में हम डिफरेंट केसेस देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस ये रियल लेबोरेटरी डेटा है थोड़ा चेंजेस किया है टू आइडेंटिफिकेशन अवॉइड करने के लिए तो लेट्स स्टार्ट विद द केस 1 60-year-old gentleman है, chronic kidney disease stage 5 on thrice a week maintenance dialysis, blood pressure, diabetes and ischemic heart disease. इनका vascular access है left radiocephalic AV fistula. Patient अभी थोड़े दिन से complaint कर रहे हैं कि बहुत fatigue, tiredness और black stool मतलब काला कलर का motion pass हो रहा है. जैसे हमने देखा कि लेबोरेटरी डेटा किया गया और उसमें हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर डेसीलीटर WBC 7500 जो नॉर्मल है प्लेटलेट काउंट 150,000 एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जैसे हमने देखा कि उनको हार्ट का तकलीफ है तो दो खून पतला करने जो ब्लड थिनर मेडिसिन पे है तो इस लेबोरेटरी केस में क्या अपने को अबनॉर्मलिटी मिला और आगे कैसे प्रोसीड किया जाए सो क्वेश्चन इज व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट यू विल आस्क तो जैसे हमने देखा कि इनका हीमोग्लोबिन 6 था तो जैसे हुआ कि कॉमनेस्ट कॉज इज आयरन डेफिशिएंसी और जैसे पेशेंट ने कंप्लेंट किया है कि उनका स्टूल और मोशन जो ब्लैक हो रहा है सो इमीडिएट रिफ्लेक्स में अपने को आयरन स्टडी एंड स्टूल रूटीन टेस्ट करना है तो जैसे हमने ऑर्डर किया और ये इनके रिपोर्ट आए हैं जैसे आयरन स्टडी के 4 कंपोनेंट है एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहेगा कि जो लास्ट पैरामीटर है परसेंटेज सेचुरेशन जब आप देखेंगे अपना आयन स्टडी का रिपोर्ट तो जो फाइनल लास्ट कॉलम है दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन उस पे फोकस करना है रफ रूल अगर मोर देन 20 लेस देन 20 है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ आयन डेफिशिएंसी 20 टू 40 मतलब ये एवरेज आयन स्टोर है और अगर मोर देन 60-70% जब होता है दैट मींस आयन इज मोर सो इनका परसेंटेज सैचुरेशन 17% है और स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड ऑकल्ट मतलब छिपा हुआ जैसे हमने देखा कि पेशेंट कंप्लेंट नहीं कर रहा है कि उनको लाल कलर का मोशन या ब्लीडिंग हो रहा है बोल रहे ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है दैट मींस कि वो बॉडी में स्टमक में रिएक्शन से काला कलर का मोशन पास कर रहे हैं तो स्टूल फॉर ऑकल ब्लड पॉजिटिव है
तो ये इंडिकेटर है कि उनको जीआई मतलब पेट में ब्लीडिंग हो रहा है, उनसे चलते उनका ब्लड और आयरन डेफिशिएंसी हुआ है। लास्ट में आप एक पैरामीटर देखेंगे एमसीवी। जब आप सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट और तीन पैरामीटर रहते हैं एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल इंडाइसिस, मतलब जो अपने लाल कण है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। एमसीवी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, अपना मिलियंस में लाल काउंट रहते हैं, कोई आरबीसी छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है। उन सब आरबीसी का अगर एवरेज निकाला जाए, जैसे कोई एक एकदम छोटा है कोई एकदम बड़ा है, तो उसका एवरेज के मध्यांतर में मीडियम में आएगा। जब एमसीवी लो रहता है जैसे 70 या 80 के रेंज में, वो इनडायरेक्ट एविडेंस है फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया। तो आप कल जब डायलिसिस यूनिट में जाएंगे, जब भी आप अनेमिया का कोई पेशेंट देख रहे हीमोग्लोबिन का, तो एक ध्यान देना कि एमसीवी उनका क्या है। एमसीवी लो है जैसे 65, 70, 65, 70 में है, या उनका एमसीवी 105, 110 है। तो इन जेंटलमैन का एमसीवी 70 से आया, तो हमने एस्टेब्लिश किया कि उनका एमसीवी लो है, हीमोग्लोबिन लो है, उनके मोशन में एक ब्लड आ रहा है और आयरन डेफिशिएंसी है। तो उनका डायग्नोसिस क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड। जो ये कॉमनेस्ट पैरामीटर है, जो जब भी पहला मंथली ब्लड टेस्ट होता है हमारा पहला फोकस हमेशा फर्स्ट पैरामीटर जो हीमोग्लोबिन पे जाता है कि आयरन कम ज्यादा करना है, एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन कम ज्यादा करना है, तो हमेशा कल जाके पहले सब पेशेंट का एमसीवी पे ध्यान देना जरूरी है। और इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन, जब रिपोर्ट जब तक इन्फॉर्म नहीं होता और क्या होना चाहिए, हिपेरिन फ्री डायलिसिस, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी टेबलेट के ब्लड थिनर पे है और हम उनको हिपेरिन का जो ब्लड थिनर डायलिसिस पे दे रहे हैं। तो जीआई ब्लीडिंग के सिनारियों में तुरंत हिपेरिन बंद करना है और पेशेंट को अर्जेंट रेफर करना है नेफ्रोलॉजिस्ट, जो आगे फिर एक्शन लेके स्कोपी या कुछ और ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जा सके। तो हमारा टेक होम मैसेज क्या है, जब आयन की जब हम बात करते हैं डोज, जो नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन अच्छा है आयन है तो हम लोग मेंटेनेंस डोज देते हैं, जो छोटा अमाउंट में जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग प्राइमिंग ट्यूबिंग और उसके वॉशिंग के टाइम। तो नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम एवरी 15 डेज, हर 15 दिन पे एक 100 mg का आईवी आयन देते हैं। बट ये जेंटलमैन का हीमोग्लोबिन है 6 और आयन डेफिशिएंसी है। ऑब्वियसली इनको शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़े, बट जो रूटीन आपके डायलिसिस यूनिट में जो पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 8.5 है और आयन डेफिशिएंसी है, तो उनका डोज क्या होता है 100 मिलीग्राम एवरी डायलिसिस सेशन, मतलब 10 डायलिसिस सेशन, मतलब 3 हफ्ते तक हर डायलिसिस के बाद आप 100 mg देंगे, वो टोटल डोज हो गया 1 ग्राम, 100 mg मल्टीप्लाई बाय 10। तो आयरन डेफिशिएंसी का डोज है 1 ग्राम और जब हम सिर्फ मेंटेन करने के लिए देते हैं वो 100 मिलीग्राम एवरी 15 डेज है। तो कल जाके पहले सब पेशेंट का एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो आरबीसी का एवरेज साइज है, वो देखना है। और डायलिसिस शुरू करने से पहले या शुरू करने के टाइम हमेशा ये पेशेंट को 2-3 हिस्ट्री पूछना जरूरी है कि उनको ब्लैक स्टूल पास हो रहे हैं, प्रोवाइडेड कि वो आयरन टेबलेट पे ना हो। काफी मरीज आयरन का टेबलेट लेते हैं जिसके चलते मोशन ब्लैक होता है, वो ब्लीडिंग का इंडिकेटर नहीं है। दूसरा, जैसे आपके काफी यूनिट में आपके पेशेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के होंगे, जो इंटरमिटेंटली उनको यूरिन में ब्लड पास होता है, और काफी फीमेल्स में जैसे मेंसिस मतलब महीने का ब्लीडिंग होता है, जो अनिमिया का एक और आयरन डेफिशिएंसी का और एक कारण है ये। तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग ने देखा कि जो हीमोग्लोबिन, एमसीवी और अनिमिया पे फोकस किया। नेक्स्ट केस पे जाते हैं अभी। ये है हमारे 58 ईयर फीमेल, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, ब्लड प्रेशर, इनका वेस्कुलर एक्सेस है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर परमा कैथेटर फॉर लास्ट 6 मंथ्स। उनका कंप्लेंट था कि फीवर और शिवरिंग हो रहा है डायलिसिस के दौरान, और उनके लेबोरेटरी डेटा में अब जैसे देखा जाए कि हीमोग्लोबिन 9.5 और WBC 18,000 प्लेटलेट नियर नॉर्मल है। अगेन सेकेंड कॉमन सिनारियो, एक अनेमिया और एक फीवर शिवरिंग और हाई WBC काउंट। तो ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पेशेंट को 6 डोज ऑफ अमिकासिन दिया गया और पेशेंट बोल रहे कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, और भी फीवर शिवरिंग बढ़ गया है शायद। तो जैसे हमने सस्पेक्ट किया कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जैसे बात हुआ कि पेशेंट को परमा कैथेटर है और WBC काउंट हाई है, तो अगला ब्लड टेस्ट जैसे CBC इनका हुआ है WBC हाई, तो सेकेंड जो रिफ्लेक्स टेस्ट होना चाहिए वो है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। क्या इंफॉर्मेशन देता है वो अपने को टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और कौन सा एंटीबायोटिक वो ऑर्गेनिज्म वो जंतु पे काम करेगा
उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अगर ब्रीफली बात किया जाए तो दो ब्रॉड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव जिसमें आपने वैंकोमाइसिन लिनेजोलिड का नाम सुना रहेगा, और ग्राम नेगेटिव जिसमें सेफीपाइम अमीकासिन वो टाइप का एंटीबायोटिक यूज करते हैं। रेयर सिनारियो जब परमा कैथेटर बहुत सालों से है या बहुत बार चेंज हो चुका है, काफी बार उसमें फंगल ऑर्गेनिज्म जैसे कैंडिडा होता है जिसमें हम लोग फ्लुकोनाजोल नाम का ड्रग यूज करते हैं। जब तक हम ब्लड कल्चर नहीं करेंगे अपने को नहीं समझेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और क्यों वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। तो इस केस के सिनारियो में अनफॉर्चुनेटली स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम का ऑर्गेनिज्म था जो ग्राम पॉजिटिव है। तो अमीकासिन हम और अगले 3 महीने तक भी देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म को कुछ भी असर नहीं होगा। तो इस सिनारियो में अगर हम ब्लड कल्चर पहले करते और अपने को ऑर्गेनिज्म पता होता स्टेफ ऑरियस, तो उनको हम वैंकोमाइसिन का डोज दे सकते थे। और रेयर सिनारियो में काफी बार अगर एंटीबायोटिक सफिशियंट नहीं होता है तो कैथेटर रिमूवल एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। तो जब भी फीवर शिवरिंग है इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो एक चीज है सीबीसी और ब्लड कल्चर करना है। जैसे हम जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज और इन्फेक्शन दो लीडिंग कॉज है डायलिसिस पेशेंट की डेथ के लिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन डायलिसिस पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार सिनारियो ऐसा है कि ब्लड कल्चर नेगेटिव है, हर जस्ट बिकॉज डायलिसिस पेशेंट के पास कैथेटर है या फिस्चुला है, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन वैस्कुलर एक्सेस रिलेटेड भी हो, क्योंकि हमारे डायलिसिस पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें काफी रिस्क ऑफ न्यूमोनिया और अदर साइट ऑफ ऑर्गेनिक इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ में लाना और अर्ली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना उनकी जान को बचाने में हेल्पफुल हो सकता है। मूविंग ऑन टू थर्ड केस, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, अगेन सीकेडी स्टेज 5 ऑन थ्राइस ए वीक मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी कमजोर है उनका, मेनोपॉज और किडनी के 3 साल से डायलिसिस पे आने के चलते। जब वो डायलिसिस से बाहर जा रहे थे स्टेप मिस हुआ, उनके चक्कर आके गिर गए और जब एक्सरे किया गया तो पाया गया कि उनका हिप का लेफ्ट हिप फ्रैक्चर हुआ है। उनके मेडिसिन में वो इंसुलिन, एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर के लिए और मल्टीविटामिन लेते हैं और उनका वैस्कुलर एक्सेस है लेफ्ट रेडियोकेफेलिक एवी फिस्चुला। तो जैसे हमने देखा कि नॉर्मल हम रूटीन ब्लड टेस्ट तो करते हैं, बट एक बात डॉक्टर राजेश कुमार के लेक्चर में हुआ था कि अपना बोन प्रोफाइल, मतलब जैसे लो कैल्शियम और हाई फॉस्फरस, एक थायराइड के पीछे जो एक ग्रंथी है पैराथायरॉयड हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है, और जैसे हम थायराइड के लिए TSH ब्लड टेस्ट करते हैं, पैराथायरॉयड के लिए PTH टेस्ट जो बोन प्रोफाइल का पार्ट है। तो इनका बोन प्रोफाइल किया गया और उनका PTH पाया गया 1500 पिकोग्राम पर ml। नॉर्मली अप टू डायलिसिस पेशेंट में जैसे लेक्चर में डिस्कस किया गया कि हमको 150 टू 300 के रेंज में मेंटेन करना है। उनके ऊपर से उनको विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है 10, अराउंड 25 टू 30 अपने को मेंटेन करना है। एक ब्लड टेस्ट आपने देखा रहेगा जो ऑफन इग्नोर होता है, जैसे हम लोग रूटीन देखते हैं सोडियम पोटेशियम जो कॉमन ब्लड टेस्ट देखते हैं, बट हम हमेशा एक देखते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फोटेस है, काफी बार वो रेंज हाई रहता है 500 या 600 का। अल्कलाइन फॉस्फोटेस दो जगह से आता है, एक लीवर से और एक हड्डी से यानी बोन। तो जब भी ये पेशेंट का ये अल्कलाइन फॉस्फोटेस हाई है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि उस पेशेंट का अपने को बोन प्रोफाइल या PTH और विटामिन D3 चेक करना है। इन पेशेंट का कैल्शियम भी लो था 7.8, फॉस्फोरस है 9 mg/dL। तो कितने सारे उनके रिस्क फैक्टर है, पहले अपने को कैल्शियम करेक्ट करना है, फॉस्फोरस बाइंडर देके फॉस्फोरस करना है, विटामिन डी को रिप्लेस करना है, और जैसे टैबलेट अल्फाडॉल और सीना कैल्सेट का जैसे बात हुआ लेक्चर में वो करेक्ट करना है, ताकि हम अगली बार का नया फ्रैक्चर या अगली बार का और बोन मसल पेन अवॉइड किया जा सके। तो ये केस का मेरे हिसाब से टेक होम मैसेज है, बोन प्रोफाइल इज ऑफन इग्नोर टेस्ट इन डायलिसिस पेशेंट। काफी बार कॉस्ट के चलते, काफी बार वो रूटीन में नहीं होता है, अगर रेगुलर फॉलोअप या एनकरेज नहीं होता है तो काफी बार बोन प्रोफाइल सालों सालों तक नहीं होता है, जो शायद राइट तरीका नहीं है पेशेंट के बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने का। डिरेंज बोन प्रोफाइल मतलब हाई PTH, हाई फॉस्फरस, विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल, फ्रैक्चर, बोन एंड मसल पेन, एंड ऑल ऑफ देम कैन बी इजीली ट्रीटेबल विद मेडिकेशन। तो जो भी अपना कॉमन कंप्लेंट है, जब आप डायलिसिस यूनिट में राउंड में पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करते कि पैर में दर्द हो रहा है, मसल दर्द हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट का हिप नी सब रिप्लेस हो चुका रहता है और बार बार
इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इजीली अगर बोन प्रोफाइल पे ध्यान देके अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका ये सब रिस्क या फैक्टर या कॉम्प्लिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 4, 64 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, CKD5, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कहीं बाहर 3 महीना गए और वापस आपके यूनिट में आए हैं। जैसे डायलिसिस यूनिट का प्रोटोकॉल है कि HHH किया जाए, HIV, HBsAg, HCV। तो HCV एंटीबॉडी रिएक्टिव आया। जब हम बात करेंगे यहां से आगे HCV एंटीबॉडी, अब जब रिपोर्ट देखेंगे नीचे लिखा रहेगा ELISA या CLIA, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब एक क्विक तरीका है कि आपको एक घंटे में बताता है कि HHH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन जेंटलमैन का HCV रिएक्टिव निकला, तो आगे जो रिफ्लेक्स टेस्ट होना चाहिए वो है HCV RNA क्वांटिटेटिव बाय PCR मेथड। जैसे कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ वायरस का कॉपी कितना है, जैसे HCV एंटीबॉडी जो है ये HHH का जो रूटीन है वो एक स्क्रीनिंग बताता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको आगे कंफर्म करने का जरिया है HCV RNA क्वांटिटेटिव बाय PCR मेथड। जैसे इसमें नंबर देख रहे कि इतने वायरस के कॉपी 1 ml ब्लड में वायरस के लाखों में हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है। तो अगला क्वेश्चन है कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मशीन पे लेना चाहिए या नेगेटिव मशीन पे। आंसर क्लियर है जब HCV RNA क्वांटिटेटिव बाय PCR मेथड, जिसको कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं कि वो जो अपना सस्पिशन है, जो अपना डाउट है एफसी का, वो कंफर्म करता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो विदाउट डाउट ये पेशेंट को पॉजिटिव मशीन पे लेना है। आगे मैंने 4 सिनारियो क्रिएट किए हैं, तो आप जस्ट डिसाइड कीजिए कि उनको पॉजिटिव मशीन पे लेना है कि नेगेटिव मशीन पे। तो इन पेशेंट को हमने हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मशीन पे लिया। जैसे सर ने आगे डिस्कशन हुआ है कि हेपेटाइटिस सी इज अ क्योरेबल डिजीज, मतलब हम उनको क्योर कर सकते हैं। तो उनको पेट के डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, उनका ट्रीटमेंट चालू किया गया। यूजुअली आफ्टर 4-4 वीक्स, मतलब 1 महीने के बाद HCV RNA क्वांटिटेटिव रिपीट किया जाता है। तो इन सिनारियो में इनका HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव था, क्वांटिटेटिव PCR पॉजिटिव था, फिर उनको 4 वीक का ट्रीटमेंट किया गया और जब 1 महीने के बाद HCV RNA क्वांटिटेटिव रिपीट किया गया, अभी वो नेगेटिव है। काफी लैब में लेस देन 34 कॉपीज लिखा जाता है, वो नेगेटिव ही माना जाता है। तो लेस देन 34 कॉपीज है, बट जब HCV जब HHH रूटीन किया गया तो वो वापस रिएक्टिव आया है। तो अभी डायलेमा ये है कि इनको अभी पॉजिटिव मशीन पे लिया जाए या नेगेटिव मशीन पे लिया जाए। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी का डिस्कशन हुआ, अगर एक बार वो पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का एक्सपोजर हुआ है तो उनका जिंदगी भर एंटीबॉडी जो अपना ELISA और CLIA मेथड से है, जो रूटीन HHH है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर HCV RNA क्वांटिटेटिव बाय PCR अगर नेगेटिव है तो वो पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को नेगेटिव मशीन पे लेना जरूरी है। जैसे बात किया गया कि 3rd shift में लास्ट शिफ्ट में एक डेडिकेटेड मशीन पे लेना जरूरी है। अगर ये 4 वीक के ट्रीटमेंट के बाद अगर हमने इन पेशेंट को वापस पॉजिटिव मशीन पे लिया तो उनको हेपेटाइटिस सी का दूसरा स्ट्रेन का वापस इन्फेक्शन होने का खतरा है। काफी डायलिसिस यूनिट में ये कंफ्यूजन, डर और इस चलते काफी बार आफ्टर ट्रीटमेंट भी लोगों को पॉजिटिव मशीन पे लिया जाता है, जो कम्प्लीटली गलत है। अगर एक बार 4 वीक के ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट नेगेटिव आ गया है क्वांटिटेटिव PCR, तो उनको नेगेटिव मशीन पे लेना जरूरी है। अभी 4 सिनारियो डिसाइड करते हैं। पहला जो एंटीबॉडी है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है और नीचे PCR मेथड है। तो फर्स्ट सिनारियो है कि पेशेंट का एंटीबॉडी रिएक्टिव है और क्वांटिटेटिव PCR पॉजिटिव है, लाखों के कॉपीज में एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मशीन, नेगेटिव मशीन, दोनों रिएक्टिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो पेशेंट को पॉजिटिव मशीन पे लेना है, राइट। नेक्स्ट सिनारियो, HCV एंटीबॉडी रिएक्टिव है और HCV RNA वायरल लोड नेगेटिव है, तो इनको पॉजिटिव पे लेना है या नेगेटिव पे। जैसे ये केस में हमने डिस्कस किया कि इनको नेगेटिव मशीन पे लेना है। पहला रूटीन HCV एंटीबॉडी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का एक्सपोजर हुआ है और हो सकता है कि ये पेशेंट ने 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया है जो अभी नेगेटिव है। जस्ट बिकॉज HCV एंटीबॉडी अभी रिएक्टिव है, उस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को फैलाने का रिस्क 0 के बराबर है। तो अगर RNA वायरल लोड क्वांटिटेटिव है तो उनको नेगेटिव मशीन पे लेना जरूरी है। थर्ड सिनारियो सिंपल, HCV एंटीबॉडी नेगेटिव है, वायरल क्वांट नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनको हम नेगेटिव मशीन पे लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो है कि ये जो केस एक्चुअली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एंटीबॉडी रिएक्टिव था, वायरल लोड पॉजिटिव था,
4 वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद उनका वायरल कॉन नेगेटिव आया है। अभी उनको और 3 महीने का ट्रीटमेंट बाकी है, बट जैसे डिस्कस किया गया कि एक बार वायरल क्वांटिटेटिव नेगेटिव आ गया है तो उनको नेगेटिव मशीन पे लास्ट शिफ्ट में लेना जरूरी है। तो टेक होम मैसेज क्या है कि जब आपका एचसीवी आरएनए क्वांटिटेटिव पीसीआर नेगेटिव है, उन पेशेंट को नेगेटिव मशीन पे ही लेना है। उनका अगर एचसीवी एंटीबॉडी रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, वो कोई मायने नहीं रखता है। इट डजंट मैटर whether your triple H HCV antibody is reactive or non-reactive, if HCV RNA quantitative by PCR, the confirmatory test is negative, you have to take them on negative machine. There is, should not be any confusion in this scenario. Hepatitis C is curable. बहुत से जगह पे hepatitis C infection को treat करके dialysis unit को hep C free बनाया गया है। तो अगर आपके संपर्क में कोई अगर hepatitis C का patient आता है, उनको urgent nephro और gastro को refer कीजिए। हो सकता है कि उनको आगे का लीवर का प्रॉब्लम और वो हम बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं और उनको हेप सी फ्री कर सकते हैं। मूविंग फास्ट टू नेक्स्ट केस, 64 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, सीकेडी स्टेज 5, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट इश्यू, फिस्टुला है। पेशेंट ने 4 डोज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिए है 8 महीने पहले 2 ml 0 1 2 6 मंथ जो हम लोग करते हैं उन्होंने लिया है। ओवरऑल उनका तबियत अच्छा है। एक रूटीन ब्लड टेस्ट किया गया जिसमें एसजीपीटी एक लीवर मार्कर है। अपने काफी यूनिट में एक एसजीपीटी करके एक लीवर का एक टेस्ट डाला जाता है ताकि अगर कोई लीवर का इन्फेक्शन या इनडायरेक्ट हेपेटाइटिस बी सी होता है तो उसमें पकड़ में आता है। तो उनका एसजीपीटी थोड़ा हाई है, 90 है और एचबीएसजी रिएक्टिव हो गया है। जब पेशेंट को ये इन्फॉर्म किया गया तो पेशेंट सोच रहा है कि ये रिपोर्ट आपका गलत है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 4 डोज लिया है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया था 2 ml का 4 डोज पूरा रिलीजियसली मैंने लिया है, तो पेशेंट को लगता है ये रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट दूसरे लैब में भेजा गया और फिर भी HBsAg रिएक्टिव आया। तो फिर ये कैसे हो गया, जब पेशेंट ने 4 डोज अच्छे से लिया है जैसे हमने एडवाइस किया तो पेशेंट HBsAg पॉजिटिव कैसे हो गया? जब उनका एंटीबॉडी टाइटर किया गया है, NTHBS एंटीबॉडी, ठीक है, जो हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो HBsAg था, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और ये है एंटीबॉडी 1.2 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसका रेंज होता है मोर देन 10। जब आप देखते हैं मोर देन 10 तो वो प्रोटेक्शन देता है। तो इज इट पॉसिबल दैट पेशेंट कैन हैव अ नेगेटिव एंटीबॉडी इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन? तो यस, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि काफी बार जैसे हमने देखा कि डायलिसिस पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनका इम्यूनिटी कम है। तो हर पेशेंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड ऑफ 4 डोसेज से उनका एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा। तो अनफॉर्चुनेटली इन पेशेंट का एंटीबॉडी नेगेटिव था, इसलिए उनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन लग गया। तो आइडियल तरीका ये है कि जब आप 0, 1, 2, 6 मंथ्स का 4 डोज देते हैं तो उसके 1 महीने के बाद आपको हर पेशेंट का NTHBS एंटीबॉडी करना है। जो रफ रूल है, अगर वो 10 to 100 के बीच में है तो यूजुअली प्रिफर किया जाता है कि एक बूस्टर डोज दिया जाए और एक 2 ml का डोज दिया जाए। लेस देन 10 है एंटीबॉडी का टाइटर, 10 के कम है तो उनको वापस एक पूरा साइकिल रिपीट करना जरूरी है, वापस 0, 1, 2, 6 2 ml का चालू करना है। अगर मोर देन 100 है तो उनका फिर हर एक साल में एंटीबॉडी टाइटर चेक किया जा सकता है। ये रफ रूल है, हो सकता है कि इसमें डिफरेंस इन ओपिनियन रहेंगे, बट दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस जो किया जाता है। ये जस्ट हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जस्ट बिकॉज पेशेंट ने 4 डोज लिया है वो जरूरी नहीं है। पेशेंट को प्रोटेक्टिव टाइटर मतलब मोर देन 10 एंटीबॉडी टाइटर होना जरूरी है। कल एक सुबह मंडे मॉर्निंग एक काम करना है कि हर पेशेंट का फाइल में NTHBS एंटीबॉडी का टाइटर अपने को चेक करना है। ये सिर्फ डायलिसिस पेशेंट के लिए नहीं, डायलिसिस टेक्नीशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, हर कोई फील्ड पर बंदा जो डायलिसिस यूनिट से उस पर संपर्क होता है, उन सब का NTHBS एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव टाइटर में होना एकदम जरूरी है। तो एक ये एक अच्छा तरीका है जो हम अपना डायलिसिस पेशेंट और डायलिसिस यूनिट का रिस्क कम कर सकते हैं। अगर हर एक जो बंदा इससे संपर्क में आता है डायलिसिस यूनिट का, उन सबका अगर एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव टाइटर मतलब मोर देन 10, preferably dialysis patient का around more than 100 के range में हो, तो हम उन्हें hepatitis B के infection से prevent कर सकते हैं। Next case आते हैं, 56 year old male CKD 5, twice a week dialysis लेते हैं, blood pressure है, diabetes है,
थोड़ा चक्कर का कंप्लेंट कर रहे हैं, आए तो उनका हार्ट रेट जब आपने मशीन पे देखा डायलिसिस स्टार्ट किया और हार्ट रेट 40 है 40 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 110-70 है। थोड़ा ऐसा सीनियर टेक्नीशियन बोल रहा है कि जो रेडियो कैफेलिक जो कैफेलिक वेन है उनका अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है, और वो बीपी के मेडिसिन क्या लेते हैं, टेलमिसार्टन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, मल्टी विटामिन अल्फाडॉल और एरिथ्रोपोइटिन और आयन के इंजेक्शन ले रहे हैं। जैसे दो घंटा डायलिसिस हुआ उनका अचानक हार्ट रेट 70 हो गया और पेशेंट बोल रहे कि अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ब्लड प्रेशर तो वैसे भी अभी भी 120-70 है, किसी ने सजेस्ट किया थोड़ा शुगर चेक किया जाए तो शुगर 150 है, तो बीपी अच्छा था, शुगर अच्छा था, किसी ने डिसाइड किया कि ज्यादा पानी नहीं निकालना है आज, थोड़ा प्लेन डायलिसिस दे देते हैं, तो प्लेन डायलिसिस दे दिया, तो अचानक हार्ट रेट जो कम था, चक्कर आ रहा था, वो इम्प्रूव कैसे हो गया? क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस हुआ रहेगा कि जिसके चलते हार्ट रेट इम्प्रूव हुआ? तो उसी दिन सुबह पेशेंट का एक ब्लड टेस्ट भेजा था, तो आपको लेबोरेटरी लैब से फोन आया कि उनका पेशेंट का पोटेशियम 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, डेंजर रेंज में, राइट? हाई पोटेशियम क्या करता है, हार्ट के रिदम प्रॉब्लम करता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट के हार्ट रेट को कम करता है, तो पॉसिबली ये पेशेंट हाइपरकैलेमिया में थे। जैसे हमने दो घंटे का डायलिसिस हुआ, धीरे धीरे उनका पोटेशियम रिमूवल हुआ और उनका हार्ट रेट नॉर्मल में आया। तो इसमें क्या ऑप्शन कर सकते थे, ये ऑब्वियसली ये डेंजरस सिनारियो है, आइडियली नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उनको एडमिशन का जरूरत हो सकता है। बाकी जो इमीडिएट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, टेलमिसार्टन जो काफी मेडिसिन है जो पोटेशियम बढ़ाते हैं, जब भी आप ये सार्टन पीछे देखते हैं, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, अजिलसार्टन, तो अगर पेशेंट का पोटेशियम अगर 7-7.5 के ऊपर है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हो सकता है कि टेम्पररी अपने को ये दवा बंद करना पड़े। पेशेंट ट्वाइस अ वीक डायलिसिस पे थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उनका पोटेशियम रिमूवल हो सकता है इम्प्रूव। डाइट काउंसलिंग, पोटेशियम फ्री डायलिसिस जैसे डिस्कस किया गया कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यूजुअली 1 mEq/L पोटेशियम यूज करना चाहिए टू अवॉइड रिदम प्रॉब्लम। कोई ऐसा रूल नहीं है कि जब बोला गया है कि मंथली ब्लड टेस्ट चेक करो, अगर कोई पेशेंट का पोटेशियम 7.5 है तो अगले महीने के 1 तारीख तक वेट नहीं करना है, क्योंकि पोटेशियम साइलेंट किलर है, डेंजरस चीज है। तो अगले हफ्ते अगर 3 बार आपने पोटेशियम फ्री या लेस पोटेशियम दिया है तो अगले हफ्ते एक पोटेशियम चेक करने से वो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि शायद कैफालिक वेन अच्छे से मैच्योर नहीं था, तो पेशेंट को जो एडिक्वेट डायलिसिस नहीं मिल रहा था वो भी एक कंट्रीब्यूटर था कि शायद पोटेशियम अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा था, तो लुक फॉर द वेस्कुलर एक्सेस एडिक्वेसी। हाइपरकैलेमिया इज अ साइलेंट किलर, बहुत ही सीरियसली लेना जरूरी है, वो कार्डियक अरिथमिया और सडन कार्डियक डेथ, जैसे काफी बार देखा जाता है कि सोमवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है डायलिसिस पेशेंट में। क्यों? क्योंकि 2 दिन का गैप है, फ्राइडे वाले पेशेंट मंडे आते हैं, 2 दिन का गैप है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ा है, पोटेशियम बढ़ गया है, तो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन मंडे और ट्यूजडे, और जो सडन कार्डियक डेथ है वो उस दिन देखे जाते हैं क्योंकि वो टाइम पे पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर डेज ऑफ वीक। तो ये क्वेश्चन है, इनका आंसर आप अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक कमेंट में डालिए, और अगर व्हाट्सएप में है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। ड्यूरिंग व्हिच आवर ऑफ डायलिसिस पोटेशियम रिमूवल इज मैक्सिमम, जैसे 4 घंटे का डायलिसिस है तो 1st hour, 2nd hour, 3rd hour या 4th hour, कौन से घंटे ऑफ डायलिसिस में पोटेशियम रिमूवल मैक्सिमम है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, पोटेशियम फ्री डायलिसिस, मतलब पोटेशियम जब K1 देते हो तो वेदर इट शुड बी गिवन एट बिगिनिंग ऑफ डायलिसिस, मतलब पहले आर ऑफ डायलिसिस में देना है कि एंड ऑफ आर के डायलिसिस में देना है, और उसका रीजन क्या है। तो प्लीज सभी फेसबुक पे जो सुन रहे हैं या तो जूम पे सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 क्वेश्चन का आंसर एट द एंड ऑफ लेक्चर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के 60 ईयर ओल्ड के अपने जेंटलमैन है, थ्राइस अ वीक डायलिसिस ले रहे हैं, ब्रेकियोकेफेलिक फिस्चुला है, सीबीसी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा अनिमिया है, हीमोग्लोबिन 8.5 है, डब्ल्यूबीसी प्लेटेड अच्छे रेंज में, स्टूल रूटीन ऑकल ब्लड नेगेटिव, आयन सेचुरेशन 70%, पेशेंट बोल रहे हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन 8.5 है, थोड़ा थकावट लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि हर हफ्ते में एक आयन लिया जाए, पिछली बार जब आयन लिया था तो एनर्जी अच्छा हो गया था, घूम फिर सक रहे थे, जैसे अपना पहला केस था वो आयन डेफिशिएंसी था, तो आप देख रहे कि परसेंटेज सेचुरेशन 70% है, और पेशेंट सोच रहे कि जो थकान, वीकनेस, एनर्जी आयन की डेफिशिएंसी के चलते हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे आप इस पेशेंट को? स्टूल में ब्लीडिंग नहीं है, आयन भी परसेंटेज सेचुरेशन मोर देन 70 है, ये सिनारियो है आयन ओवरलोड, ये आयन डेफिशिएंसी का नहीं, आयन ओवरलोड का है,
जैसे आयन डेफिशिएंसी नुकसानदायक है, आयन ओवरलोड भी नुकसानदायक है। लीवर है जो वो आयन का स्टोरेज है, मतलब वहां पे आयन छिपके स्टोर होता है। जब आप आयन ओवरलोड पेशेंट को और आयन आयन देते जाएंगे तो धीरे 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 उनका लीवर में कमजोरी और तकलीफ होगा। तो पेशेंट को समझाना जरूरी है कि अनेमिया सिर्फ आयन डेफिशिएंसी जो उसका कॉमन कॉज है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो आयन डेफिशिएंसी के चलते हो। उनका एरिथ्रोपोएटिन का डोज, उनका कोल्ड चेन मेंटेनेंस, मल्टीविटामिन, यूरेमिक एनवायरनमेंट, उनका एक्सेस, सब फैक्टर जरूरी है। अगर परसेंटेज सैचुरेशन, अगर ये आप आयन स्टडी नहीं करेंगे तो हमको कभी नहीं पता चलेगा कि पेशेंट आयन ओवरलोड स्टेट में है। तो इन पेशेंट को क्या करना चाहिए, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना आयन बंद करना चाहिए, जब थोड़ा आयन का स्टोर नीचे आए तब रिस्टार्ट आयन एट लोअर डोज करना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, अगर परसेंटेज सेचुरेशन मोर देन 50-60-70% है, उनका आयन 1-1.5 महीना बिना वरी किए हुए उनको होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो आयन ओवरलोड के स्टेट को वर्सन करेगा। नॉट ओनली आयन डेफिशिएंसी इज कॉमन, बट आयन ओवरलोड इज फेयरली कॉमन प्रॉब्लम इन डायलिसिस पेशेंट। ये इस केस का टेक होम मैसेज है। तो अज्यूम, प्लीज अज्यूम मत कीजिए कि हर अनेमिया का पेशेंट आयन डेफिशियंट होना जरूरी है। Case 8, 60-year-old gentleman, CKD5, blood pressure, diabetes, fistula है, बहुत सारा itching, जो अपना common complaint है, एक है पैर दुखना और itching, right? ये दो common complaint अपने dialysis unit के round पे हमें सुनाई देता है। Severe itching हो रहा है, बोलता है हमें moisturizing cream, बाजार का सबसे बढ़िया best moisturizing cream दिन में 3 बार apply करता हूँ, फिर भी itching कम नहीं हो रहा है। उनका रिपोर्ट किया गया सीबीसी, हीमोग्लोबिन 9.5 ओवरऑल अच्छा है, पोटेशियम 5.2 है, बीयूएन क्रिएटिनिन भी अच्छे रेंज में, ट्रिपल एच नेगेटिव, बट ये क्या फास्फोरस 9 mg/dL, जैसे पता है ये काफी कॉमन चीज है, अगर पेशेंट इचिंग बोलेगा तो अपना नेक्स्ट रिस्पॉन्स है आपका फॉस्फोरस क्या है। तो क्या कर सकते हैं फॉस्फोरस के लिए, डाइट काउंसिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लो फॉस डाइट नहीं है तो फिर वो कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। फास्फोरस बाइंडर पे राजेश सर और उनके लेक्चर में हमने डिटेल में सुना, वो कंप्लायंस होना जरूरी है। जस्ट बिकॉज हमने रेवलामर सेवलामर फास्फोरस बाइंडर लिखा, वो पेशेंट वेदर मेडिसिन ले रहा है और कैसे ले रहा है, चबा के डाइट के बीच में ले रहा है तो ही वो मेडिसिन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। एक ये नीचे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फॉस्फोरस को हमेशा इचिंग से जोड़ते हैं, बट ये सेंटेंस आपको ये घर पे ये मैसेज टेक होम लेना जरूरी है। हाई फॉस्फोरस इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद इचिंग एंड बोन मिनरल प्रॉब्लम, बट इंक्रीज विद कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी। मतलब जब हम हार्ट के रिस्क फैक्टर बोलते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डेथ होता है, उसमें फॉस्फोरस भी एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, और जो अपने हार्ट के चैम्बर है उसकी वॉल को थिक, मतलब झाड़ाई उसका बढ़ा देता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपने रिपोर्ट में देखा रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो फास्फोरस भी ये चीज को कंट्रीब्यूट करता है। तो कल अगर आपका पेशेंट बोले कि जस्ट मुझे इचिंग नहीं हो रहा है, मेरा पोटेशियम फास्फोरस 8 है, मुझे चिंता नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि बात सिर्फ इचिंग का नहीं है, आपका कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट के चलते आपका डेथ और आपका हार्ट का चौड़ाई उस वो भी फास्फोरस के बढ़ के चलते हुए आप कॉम्प्लिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए फास्फोरस को जो एक्सेप्टेबल रेंज में रखना जरूरी है। सेकेंड लास्ट केस है, जल्दी 5 मिनट में खत्म करूंगा। सीकेडी स्टेज 5, थ्राइसेविक डायलिसिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फिस्चुला है, पेशेंट बोल रहा है फीवर, कफ, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, 2021 है, बिना ये केस के अपना टॉक कंप्लीट नहीं हो सकता है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, आप जानते हैं शायद काफी सिटीज में बढ़ा हुआ है, अपना मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस भूलना नहीं है, अभी भी शायद कंटिन्यू करना है। SpO2 84 है, सब पेशेंट डायलिसिस यूनिट में सबका एक ही जवाब, कोविड-19 का स्वैप किया जाए। कोविड स्वैप किया गया और जैसे सोचा गया कोविड-19 इन्फेक्शन पॉजिटिव हुआ, अच्छी सोच, तुरंत पेशेंट को एडमिशन के लिए एडवाइस किया गया, कोविड सेंटर में गए, पेशेंट ICU में गए, अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन की कमी के चलते वेंटिलेटर पे 2 हफ्ता रहे, वार्ड में 2 हफ्ता रहे, 4 हफ्ते के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हुए और वापस आपके यूनिट में आए हैं स्टेबल कंडीशन में। रूटीन लैब जैसे किया गया, फेयरली गुड CBC, इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है, बर्न क्रिएटिनिन अच्छा है, फॉस्फोरस 2.8 और अल्ब्यूमिन 2 g/dL, ट्रिपल एच नेगेटिव, लैब में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, पोटेशियम अच्छा है, क्लियरेंस भी अच्छा है, कोई इश्यू अपने को ये लैब में है,
लाल रेड फॉन्ट में देखते हैं, फास्फोरस 2.8 अल्ब्यूमिन 2, जबकि अगला केस तो फास्फोरस को कंट्रोवर्शियल बोल रहा था, फास्फोरस अच्छा है, तो ये लैब भी अच्छे नहीं है। पेशेंट का अल्ब्यूमिन बहुत कम हो गया है, 3.5-4 पे अपने को मेंटेन करना है। लो फास्फोरस भी अच्छा चीज नहीं है। पेशेंट ने 4 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका न्यूट्रिशन पे असर हुआ है, और काफी जगह पे अगर आप पोस्ट कोविड पेशेंट आपके पास वापस आ रहे हैं जिनका रफ कोर्स था हॉस्पिटल में, तो आपने देखा रहेगा कि काफी लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो पोस्ट कोविड पेशेंट में ये ध्यान देना है कि उनका अल्ब्यूमिन स्टेटस कैसा है, फॉस्फोरस कैसा है। पेशेंट सीवियर प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, 4 हफ्ता इतना जितना है। नॉर्मली डायलिसिस पेशेंट को हम बोलते हैं ज्यादा प्रोटीन लो, 6 अंडे का सफेदी लो, पनीर लो, प्रोटीन पाउडर लो। ये तो इनको इन्फेक्शन था, सीवियर एक वायरल इन्फेक्शन से बाहर आए। क्या कर सकते हैं ऐसे पेशेंट के लिए हम डायलिसिस यूनिट में? हाई प्रोटीन डाइट, आईवी अमीनो एसिड सप्लीमेंट, बहुत सारे अमीनो एसिड सप्लीमेंट अपने पास अवेलेबल है पेशेंट के लिए, ओरल प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज कीजिए। ये एक अपना लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब ये पेशेंट वापस आ रहे हैं तो कैसे अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करें। तो वॉच फॉर मेल न्यूट्रिशन, हाइपोअल्बुमिनेमिया। ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, कोई भी पेशेंट अगर प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे करके आया है या कोई पेशेंट अच्छा नहीं कर रहा है यूनिट में, तो उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना जरूरी है। वॉच फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोविड के सिचुएशन में बहुत से लोग को स्टीरॉयड हुआ है, स्टीरॉयड मिला है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे पे है, टॉसिलिजुमैब जैसे ये मिले हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ कोविड के चलते हैं, उनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया और बाकी इन्फेक्शन का भी हाई सस्पिशन रखना जरूरी है। ऐसे पेशेंट को अगर वापस फीवर या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत ओपीडी फॉलोअप जरूरी है। लास्ट केस, ये केस डिटेल में सुनते हैं। 30-year-old जेंटलमैन। ये केस का मैंने आंसर जानबूझ के इस पे नहीं रखा है, ये डिस्कशन अगले एक दो हफ्ते तक चालू रहना चाहिए। तो एक केस में डिटेल में आपको बताता हूँ, प्लीज इसका आंसर फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे दीजिए। हमने जो आगे के फर्स्ट पोर्शन में लैब्स का सिखाया है और 9 केसेस जो देखा है, इसका ये एक कॉम्बिनेशन है कि इसमें से हमको क्या अपना पॉसिबल डायग्नोसिस है, और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग ने ये लेक्चर ठीक से सुना है। 30-year-old जेंटलमैन, यंग बंदा, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, ऑन थ्राइस अ वीक मेंटेनेंस डायलिसिस। ब्लड प्रेशर है लास्ट 3 साल से, फिस्चुला लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक एवी फिस्चुला, ब्लड फ्लो 300 मिल रहा है, नो इश्यू विद डायलिसिस स्केड्यूल कंप्लायंस, 3 साल में एक भी डायलिसिस मिस नहीं किया है। वजन है 68 kg, 5 feet का हाइट। जब डायलिसिस पेपर देखा गया तो मीडियम फ्लक्स डायलाइजर यूज कर रहे हैं, 1.9 meter सरफेस एरिया वाला, 1.9 वाला डायलाइजर यूज कर रहे हैं। पेशेंट कभी नहीं बोलते कि मुझे जल्दी निकालो, एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से चाहते हैं कि अच्छा से 4.25 घंटे का अच्छा डायलिसिस हफ्ते में 3 बार लिया जाए। इनका मेडिसिन है एम्लोडिपिन, प्राजोसिन, क्लोनिडिन, मेटोप्रोलॉल, 4 BP के मेडिसिन पे है, अल्फाडॉल, सेवेलामर कार्बोनेट और मल्टीविटामिन है। लास्ट 2 हफ्ते से उनको धीरे धीरे इचिंग बढ़ गया है, थोड़ा थकावट आ रहा है, भूख कम लग रहा है, एनर्जी कम लग रहा है। बोलते पहले मैं ट्रैकिंग पे जाता था, पिकनिक जाता था, जॉब पे जाता हूँ, अच्छा फील कर रहा था, बट अभी 2 हफ्ते से थोड़ा तबियत जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। तो रूटीन लैब किया गया, सीबीसी 9.5, हीमोग्लोबिन 9.5, डब्ल्यूबीसी 7800, प्लेटलेट नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम 7 mEq पर लीटर, सोडियम क्लोराइड अच्छा रेंज में है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 96 mg/dL, क्रिएटिनिन 14, कैल्शियम 8.6, फॉस्फरस 9, एल्ब्यूमिन 3.5 और HHH नेगेटिव। तो जैसे अब नॉर्मल लैब में आपको समराइज करता हूँ, हाई पोटेशियम है, हाई BUN क्रिएटिनिन है, फॉस्फरस ज्यादा है और बाकी सब HHH नेगेटिव है। तो क्या पॉसिबल डायग्नोसिस है इनमें? पेशेंट जैसे बताया कि एक्सट्रीमली कंप्लायंट है, फिस्चुला से डायलिसिस ले रहे हैं, जो उनको एडवाइस किया गया वो डायलाइजर यूज कर रहे हैं, ड्यूरेशन भी मिस नहीं कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन ऑन फेसबुक और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अगले 4-5 दिन का हम वेट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दिस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। तो मैं सहे दिल से पारस देड़े जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक केस डिस्कशंस किए और केस डिस्कशन ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग होते हैं।
हम भी जब नेफ्रोलॉजी लोग भी डिस्कस करते हैं तब भी हमें केस डिस्कशन बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई एम श्योर टेक्नीशियंस को भी केस डिस्कशन पसंद आएंगे। आपने जवाब मांगे हैं तो हम आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक्टिव कर दूंगा। अभी तो आई थिंक हमने सबको व्हाट्सएप ग्रुप में साइलेंट रखा है क्योंकि लोग सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही करते थे, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर या साइंटिफिक मटेरियल डालता नहीं था। तो अभी हम एक हफ्ते के लिए खोल देंगे, पता भी चलेगा कि लोग डिसिप्लिन हो चुके हैं कि नहीं कोविड के बाद, कि अभी भी गुड मॉर्निंग और एक वो भगवान की फोटो आती रहेगी हर रोज सुबह में, तो फिर आई थिंक फिर से म्यूट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, एक वीक हम लोग खोल देते हैं ताकि डॉक्टर पारस देडिया के ये केस के बारे में डिस्कस किया जाए। तो थैंक यू ऑल, एंड राजेश एंड पारस आई थिंक उनके जो क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में आप एक एक करके लेके इसको आंसर कर सकोगे। Yes. राजेश यू कैन स्टार्ट। सो आशीष हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन वेदर वी नीड टू चेक सीबीसी और हीमोग्राम। सो द कंसेप्ट इज व्हेन हम लोग जब डीएम की पढ़ाई करते थे तो हम लोग हमेशा हमारी जो मशीन होती थी उस पर ये अपनी मॉडर्न मशीन नहीं थी, तो उस समय हम लोग प्री डायलिसिस एंड पोस्ट डायलिसिस पीसी भी चेक करते थे और इससे देखते थे कि हीमो कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, मतलब अगर पानी 2 से 3 लीटर निकला तो हीमोग्लोबिन जो है 11 से 12 हो गया। तो हीमोग्राम विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हीमोग्लोबिन एंड आइडियली वी नीड मोर इन द हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू WBC एंड प्लेटलेट। But since the hemogram is not very famous and the cost is almost same as CBC, you used to have an habit of asking for CBC rather than hemogram. There is nothing like that. Hemogram is good enough to give the answer about the hemoglobin. Or CBC mein humko tino ka information milta hai. Second question hai, which side effect aluminium high in dialysis patient? So aluminium ka high hona, आजकल के डायलिसिस यूनिट में अगर आरओ प्लांट सही नहीं चल रहा है तो ही होता है, नहीं तो आरओ प्लांट अगर अच्छे से मेंटेन्ड है और पेशेंट को एल्युमिनियम का साइड इफेक्ट है तो हमको ये देखना चाहिए कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहा है क्या, या कोई डायजिन सिरप या ऐसा कोई सिरप पी रहा है क्या, या एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी यूटेंसिल को यूज करना खाना बनाने के क्रम में या खाना सर्व करते समय में, उससे भी एल्युमिनियम बढ़ता है और एल्युमिनियम का साइड इफेक्ट जो है आइदर वो बोन को कमजोर करता है या खून कम करता है, एनीमिया करता है, या दिमाग पे उसका असर करता है, ब्रेन पे असर करता है जिससे आदमी कंफ्यूज्ड, मेमोरी लॉस, इम्पेयर्ड मेंटेशन, वो सब हो सकती है। एक सवाल डॉक्टर पारस को जवाब देना है कि हेपेटाइटिस सी वायरस से जो रिकवर हो रहे पेशेंट हैं उनको थर्ड शिफ्ट में क्यों लेना है या नाइट शिफ्ट में क्यों लेना है और उसके क्या बेनिफिट होंगे? थर्ड शिफ्ट का कंसेप्ट इसलिए है कि काफी बार एक थोड़ा एक सोशल स्टिग्मा है, जब पेशेंट को डायलिसिस यूनिट में पता है जब हेपेटाइटिस सी है तो एक ये है कि काफी बार वो सोशल स्टिग्मा उसमें है। दूसरा बात यह है कि काफी बार हेपेटाइटिस सी रीएक्टिवेशन स्पेशली काफी बार देखा गया जो पेशेंट टीबी के मेडिसिन पे थे तो काफी बार हेपेटाइटिस सी का रीएक्टिवेशन जो काफी कॉमन नहीं है, मतलब काफी रेयर है, तो वो जो इश्यूज हो सकते हैं, पॉसिबल थियोरेटिकल इश्यू हो सकते हैं, वो अवॉइड करने के लिए लास्ट शिफ्ट में रखने का एक कंसेप्ट है। और एक ये होता है कि लास्ट में एंड में एक वो ब्लीच देके वो पेशेंट मशीन का वो डिसइंफेक्शन हो सकता है। ये दिमाग से निकालना जरूरी है कि वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना के बराबर है अगर कॉन्ट PCR नेगेटिव है। बट जैसे बोला गया कि जो सोशल स्टिग्मा है, जो काफी पेशेंट डरते हैं वो मशीन पे आने के लिए जो नेगेटिव है, और दूसरा जैसे रीएक्टिवेशन या तो वापस पॉजिटिव दूसरे स्ट्रेन से होने के लिए जो रिस्क है उसके लिए वो इश्यू अवॉइड करने के लिए थर्ड शिफ्ट का एक यूजुअली सुझाव दिया जाता है। और एक चांस रहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ना पेशेंट कैन गेट रिलैप्स, मींस पेशेंट कैन गेट अ इन्फेक्शन अगेन। सो फॉर फर्स्ट 1 or 2 years usually we used to take such patient on the negative machine in the third shift, because if any times any relapse happened, at least machine are getting protected from infection by having a disinfection, staying there for 12 hours and we are cleaning the machine at the end of the day properly. So that is the reason that the machine is getting proper disinfection at the end of the day.
One question is एक there. एक क्वेश्चन राजेश मेरा है पब्लिक के लिए, प्लीज चैट में डालिए आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, ये जरा प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी के हिसाब से हम लोग करेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम हिंदी में चाहिए इंग्लिश में? नेक्स्ट तो खैर कल्चरल प्रोग्राम है वो तो हिंदी में ही है, उसके बाद का जो एकेडमिक प्रोग्राम है. चैट पे जिसको जिसको डालना है प्लीज डालिए हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए. हाँ प्लीज कैरी ऑन आकाश. सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन डॉक्टर पारस यू हैव टू आंसर the potassium free dialysis should be given at the beginning of the dialysis or at the end of the dialysis, first 2 hours or last 2 hours? ये जो question पूछा गया, see potassium removal है ना, that maximum is in the first hour. एक gradient concept समझना जरूरी है. एक dialyzer membrane बीच में है, एक तरफ patient का potassium है जो blood potassium, समझो एक माना जाए 8, और अपना dialyzer potassium, dialysate potassium जो होता है 2.2. तो अगर 8 और 2 का difference हुआ, gradient हुआ 6, अगर आप पोटेशियम फ्री डायलिसिस जैसे जीरो करेंगे तो उनका ग्रेडियंट हो गया 8 हो गया. जब ग्रेडियंट ज्यादा है तो रिस्क ऑफ हार्ट अरिथमिया या सडन कार्डियक डेथ ज्यादा है. तो यूजुअली जब लास्ट आवर में देते हो तो आपका मैक्स पोटेशियम रिमूवल मैक्सिमम जो 2 घंटे में था वो निकल गया है. एक एग्जाम्पल से समझो, पेशेंट का पोटेशियम 8 था, वो 2-3 घंटे के बाद 6-5 के बीच में आया है. जब आप तब पोटेशियम फ्री देते हो या K1 देते हो तो ग्रेडियंट 5-1 4 हो गया है. तो प्रेफरेबली पोटेशियम फ्री या लो पोटेशियम डायलिसेट है वो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डायलिसिस देना जरूरी है, ताकि जो ग्रेडियंट है डिफरेंस बिटवीन ब्लड पोटेशियम एंड डायलिसेट पोटेशियम, वो जो डिफरेंस है वो कम से कम रखा जाए. और वैसे भी फर्स्ट 1 आवर में पोटेशियम रिमूवल ग्रेडियंट के चलते मैक्सिमम है. तो जस्ट बिकॉज पोटेशियम वैल्यू हाई है, काफी बार वो आईसीयू में क्वेश्चन आता है कि ये, तो वैसे भी पोटेशियम रिमूवल मैक्सिमम होने वाला है, चाहे हम नॉर्मल पोटेशियम यूज करें या K1 या पोटेशियम फ्री करें. बट क्योंकि रिस्क ऑफ अरिथमिया और कार्डियक डेथ ज्यादा है, इसलिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ डायलिसिस पोटेशियम फ्री देना जरूरी है. एक क्वेश्चन है कि जब हम थर्ड शिफ्ट में हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हुए पेशेंट को लेते हैं तो डायलाइजर सिंगल यूज रखना है कि रीयूज करना है? प्रिफरेबली हेपेटाइटिस सी का जब तक ट्रीटमेंट ये कंप्लीट नहीं होता है, जस्ट फॉर द पेशेंट सेफ्टी, टेक्नीशियन सेफ्टी एंड द डायलिसिस कंटामिनेशन टू अवॉइड, प्रिफरेंस इज ऑलवेज अगर सिंगल यूज डायलाइजर विद डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया हो तो ये हो, क्योंकि जैसे बोला गया कि हेप सी रीएक्टिवेशन अनप्रेडिक्टेबल है और वो हो सकता है. अगर कॉस्ट कंस्ट्रेंट है तो नंबर ऑफ रीयूज कम किया जा सकता है, बट फर्स्ट प्रिफरेंस विल ऑलवेज बी सिंगल यूज डायलाइजर विद डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया इफ पॉसिबल. एक क्वेश्चन है कि पीटीएच और कैल्शियम का रिलेशन क्या है और लो कैल्शियम डायलिसिस दे के पीटीएच को कैसे बढ़ाया जाता है? तो कैल्शियम और पीटीएच का रिलेशन ऐसा है कि अगर कैल्शियम बॉडी में लो है तो पीटीएच बढ़ता है. ये इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. ये साइंस है कि कैल्शियम अगर कम होगा तो पीटीएच ज़्यादा होगा, पीटीएच ज़्यादा होगा तो बोन से कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा और कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाएगा. ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए ये कंसेप्ट है. अगर कैल्शियम हाई होगा तो पीटीएच सप्रेस्ड होगा या लो हो जाएगा, ताकि बोन से मोबिलाइजेशन बंद हो जाए और बॉडी का कैल्शियम कंट्रोल में आ जाए. टू बैलेंस द कैल्शियम पीटीएच कैन गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द कैल्शियम वैल्यू. इन डायलिसिस पेशेंट अगर किसी पेशेंट का कैल्शियम ज्यादा है जिसके चलते पीटीएच कम है, 100 से कम है, तो उस पेशेंट को बोन डिजीज होने की संभावना होती है. वो पेशेंट का बोन डिजीज का नाम है ए डायनामिक बोन डिजीज. अभी ये पेशेंट का अगर हम कैल्शियम कम करते हैं तो एक थिंकिंग है कि जब कैल्शियम हम कम करेंगे उसका पीटीएच अप रेगुलेट होगा, मतलब ज़्यादा सिक्रीट होगा, और पीटीएच जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका बोन का रीमॉडलिंग अच्छा होगा और बोन में स्ट्रेंथ आएगी. इसके लिए ऐसे पेशेंट में हम लोग लो कैल्शियम डायलिसेट यूज करते हैं ताकि कैल्शियम जो है थोड़ा कम हो जाए, ताकि वो पीटीएच को नॉर्मल जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको हम यूज करते हैं और पीटीएच बढ़ जाए. क्योंकि पीटीएच बढ़ाने के लिए जो दवा है वो टेरापेराटाइड्स है, वो काफ़ी कॉस्टली है, वो डेली लिया जाता है और कॉस्ट आता है, लेकिन बाय मॉडिफाइंग द डायलिसेट यू कैन इंक्रीज द पीटीएच. दैट इज द कंसेप्ट. एनी मोर क्वेश्चन? नो. आई होप दैट एवरी क्वेश्चन इज गेटिंग आंसर्ड. I think we once again thank both the speakers for their excellent presentation and I think jo poll liya hai isme 4-5 logon ne likha hai, but dono ne yahi likha hai is baar aaj to aise hi kiya hai. Ye sab fan sitters hain, hindi bhi chahiye, english bhi chahiye, yani speaker ka kaam thoda badhana hai.
Anyway, friends, thank you so much for attending. Aap log एंड ऑब्वियसली जो स्पीकर्स हैं वो तो मेहनत करके इतना टाइम निकाल के लेते हैं. सो पारस और राजेश दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स. थैंक यू ऑल. एंड फिर अगले महीने फिर से प्रोग्राम रखेंगे. पर अगर मेरे संडे के प्रोग्राम में आप लोगों के यूनिट में से पेशेंस कम आए तो देखना मैं प्रोग्राम्स कम कर दूंगा. थैंक यू. हुल पट्टी मारने की आदत है मुझे. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू पारस. बाय. Thank you. Thank you all the participants. Yes. Okay. Bye.